अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है किसी साहब? अल्लाह का शुक्र अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट टू कम फॉर द डिस्कशन। इट्स अ ट्रू ऑनर टू हैव यू ऑन द सेशन। नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू थैंक यू। सबका शुक्रिया ज्वाइन करने का। तो जस्ट मैं रिमाइंड करवा दूं कि इस स्पेस की रिकॉर्डिंग होती है और सरमाया की टीम दे डू हेल्प मी टू डाउनलोड द रिकॉर्डिंग, और वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं, अपने जो उनके पॉडकास्ट के चैनल्स हैं वहाँ पे भी अपलोड कर देते हैं, सो दैट जो नहीं सुन सकते लाइव, वीकेंड भी होता है एंड देन दे गो फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन। सो आज के हमारे जो स्पीकर हैं, गेस्ट हैं, वो कोई अली भाई तारफ के मोहताज तो नहीं, बट देर इज़ समथिंग विच आई जस्ट लर्न अबाउट अली भाई, के अली भाई ने जो बिजनेस रिकॉर्डर का रिसर्च डिपार्टमेंट है वो इन्होंने ही स्टेब्लिश किया था इन 2009, और माशाल्लाह से 14 साल हो गए इनको बिजनेस रिकॉर्डर की रिसर्च डिपार्टमेंट और टीम को मैनेज करते हुए। अली भाई, बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, हाउ डज बी आर रिसर्च वर्क्स? आपके पास कितने एनालिस्ट हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है आपके डिपार्टमेंट का, टीम का, आपका? किस लेवल तक आप रिसर्च करते हैं, या डेप्थ और कवरेज क्या है? क्योंकि नॉर्मली दिस डिस्कशन इज मेनली फॉर द ऑडियंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं PSX वगैरह में, कैपिटल मार्केट्स में। तो नॉर्मली जो मैं देखता हूँ कि जब कोई न्यूज़ आती है डिस्कशन या रिसर्च, तो वो BR की, मैंने ऑनेस्टली टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, बहुत कम देखा है लोगों को शेयर करते हुए। लेकिन अगर मैं साइट पे जाता हूँ तो वहाँ पे आपने बकायदा कंपनीज की भी रिपोर्ट्स दी हुई हैं, डिस्कशन वहाँ पे की हुई है, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो या तो पब्लिक को जो इस फील्ड में है उनको अवेयरनेस नहीं है, या शायद लोग कोई दूसरे जो पोर्टल्स हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जस्ट गिव अस अ लिटिल बिट बैकग्राउंड, और आपका जो ऑब्जेक्टिव या मिशन क्या है? थैंक यू जी, थैंक यू जी टू हैव मी हियर। जी BR रिसर्च जो है, पहले मैं थोड़ा बता दूं कि ये किस तरह शुरू हुई, फिर आपके सवाल के जवाब भी आ जाता है कि मार्केट के लोग इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो सबसे पहले जी, दिस वाज स्टार्टेड इन 2009। जैसे कि ये है कि आई वाज इन बिटवीन द जॉब्स, तो कहते हैं ना, एवरी क्राइसिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी। सो दैट वाज अ क्राइसिस ऑफ 2008, और वो आई वाज बिटवीन द जॉब इन दैट क्राइसिस। सो मुझे ये ऑप्शन ये थी कि दे ऑलवेज थिंकिंग अबाउट टू इनका, क्योंकि दे वांटेड टू एलिमिनेट द इंडेक्स कॉलम इन फाइनेंशियल टाइम्स। तो उन्होंने कहा उस तरह का हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो ये तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। अच्छा, मैं इनके पास आया जी, आई ज्वाइंड ऑन 23 मई 2009, एंड बाय 7 जून आई हैव अ टीम ऑफ 5 पीपल। और वो पांच के पांच लोग इत्तफाक से थे कि वो इस रेसेशन के बिटवीन द जॉब्स थे, और वो इसी कैपिटल मार्केट से थे। तो और एक बीच में मैं जर्नलिस्ट रखा था, जो कि जो ये था कि जिसको ये चीज पता हो कैसी हो। और फिर मेरे पास दो मैंने एनालिस्ट रख लिया और एक डेटाबेस रख लिया। एंड बाय जुलाई हमारे पास दो और जूनियर एनालिस्ट आ गए। देन वी स्टार्टेड राइटिंग स्टफ एंड ऑल दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जी। हम इकोनॉमी पे वी राइट 3 पीसेस अ डे, 2 to 3 पीसेस अ डे, 5 डेज अ वीक, उस पे ये करते हैं। एंड दैट्स बीन डूइंग देयर। फिर खैर लोग आते जाते रहे। तो अब इस वक्त जो है हमारी टीम के अंदर जो है, वी हैव अबाउट एट दिस पॉइंट जी 5 एनालिस्ट, 1 बीफ रिकॉर्डिंग, 1 डेटा गाइस एंड माई सेल्फ। और हमारे जो इस वक्त सारे जो एनालिस्ट हैं, उन सब का तकरीबन BR के अंदर ही जो है मिनिमम एक्सपीरियंस, अगर किसी का है वो आदिल का है, एंड इज बीन विद अस फॉर मेनी ईयर्स। 5-7 साल तो हो गए, और बाकी उससे भी ज्यादा है। तो इस तरह से अब वो लोग काफी इंडिपेंडेंट है, अपनी अपनी बीट पे हैं, और बिल्कुल अपना काम अपने हिसाब से कर रहे होते हैं।
और शुरू में ही मैंने एक चीज देखी थी कि कि आप दूसरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करो देन जो है मदद टेक टू डू, तो वो काफी हद तक वो एनालिस्ट अपना ही काम कर रहे होते हैं और खुद से चीजें, और ये है कि इट्स रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट जो प्रोड्यूस कर रहा होता है उसमें कुछ, मतलब हमारा फोकस एग्रीकल्चर पे काफी फोकस है, वी हैव अ फोकस ऑन एनर्जी सेक्टर, वी हैव अ फोकस ऑन बैंकिंग एंड मैक्रोस, और साथ उसके ऑटोमोबाइल और सीमेंट और दूसरे और कुछ चीजों पे है. तो दैट्स हाउ वी डू एंड वी प्रोड्यूस समथिंग. और शुरू में आइडिया ये था कि हम जो लोग आए थे हम वो एसेट मैनेजमेंट या ब्रोकरेज बिजनेस से आए थे, तो स्पेशली ब्रोकरेज के अंदर जो होती है वो एक होता है कि आपका यू ऑलवेज हैव बाय ए कॉल, दिस इज लाइक योर ऑडियंस इज लाइक आपको वो आपका जो सेल टीम का होता है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है रिसर्च को जो पाकिस्तान में होता है, तो वो इतनी अनबायस्ड. और फिर जो एएमसी के लेवल पे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है वो बड़ा छोटा ऑडियंस होता है. तो यहाँ पे ये था कि हम खुल के एक है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जी अनबायस्ड चीजें अच्छी है बुरी है क्या है, बट वी वर नॉट रियली फोकसिंग ऑन स्टॉक मार्केट, वी वर फोकसिंग ऑन इकोनॉमी एट लार्ज. तो इस वजह से वो स्टॉक मार्केट का वो और हम वो न्यूज ब्रेकिंग का वो हमारा काम नहीं होता, और यूजुअली हमारे पास रिपोर्टर नहीं होते, तो जब न्यूज ब्रेक होती है स्टॉक मार्केट के लिए वो इम्पोर्टेंट होती है, फिर आगे जाके आती है. बाकी वो जो कंपनी एनालिसिस है हमारा ब्रीफ अकॉर्डिंग जी, वो यहाँ पे कोई बिजनेस अकॉर्डर में कोई 30 40 सालों से चल रहा था, वो हमें संभव मिल गया, तो वो हम उसका उतना फोकस नहीं करते कि उसको को बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकें. तो उसपे फ्रेंकली स्पीकिंग हमारा इंटरनली भी कुछ ऐसा वो नहीं है फोकस के लिए उसको बहुत अच्छा कर सके, ना हमारा ये है. तो स्टॉक मार्केट के लिए हम उस तरह तो नहीं लिखते, तो स्टॉक मार्केट खबर नहीं, बट फॉर इकोनॉमी एंड जनरली बहुत सारे बैंकर्स और बहुत सारे लोग जो है वो हमें हमारी चीजों को पढ़ते हैं और इन इंफॉर्मेशन को लेते हैं. बट आई गेस वो स्टॉक की कंपनी वाला एनालिसिस या के चाहे जो वो 30 के वो जो BR इंडेक्स और वो सारा चीज है वो एक सेपरेट है, और वो मेरा उसे लिखना ही है. तो वी फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग सम कंटेंट सम गुड रिसर्च, और ये करे और रिसर्च हमारी प्राइमरी रिसर्च होती है, वी टॉक टू पीपल, वी यूज द सेकेंडरी डेटा एंड बेस्ड ऑन दोस फैक्ट्स वी प्रोड्यूस व्हाट वी डू. और फिर एक है कि एक एनालिस्ट जो है 8 8 साल से 6 6 साल से कम से कम एक सेक्टर देख रहा है उसकी, तो इसकी ग्रिप भी हो चुकी है, उसमें मेच्योरिटी भी आ चुकी है जो आपको राइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है. आप सो आई स्टॉप हियर अ लिटिल बिट ऑन दैट, और आई होप आई विल बी एबल टू आई हैव आंसर योर क्वेश्चन द वे यू वांटेड इट. Absolutely, absolutely, everybody. Thank you so much for the detailed answer. Before going to our main topic, Ali Bhai, I have these days three of my favorite questions, जो के मेरा ख्याल है हर जो स्टॉक्स या कैपिटल मार्केट्स में है उसके माइंड पे ये तीनों क्वेश्चन हर वक्त रहते हैं. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने बजट भी देख लिया है, हाउ डू यू सी द इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड? पीक हो चुकी है या नहीं, या अभी भी चांसेस हैं कि थोड़ी सी ऊपर जाएगी? हाउ डू यू सी द CPI? देखिए ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि इन्फ्लेशन को हम कैसे देख रहे हैं. अगर आप इस पे इन्फ्लेशन को अगर सिंपली इस पे जो पिछले साल का जो प्राइस शॉक आया था और जो करेंसी डिप्रिसिएशन आई थी उसका इम्पैक्ट अगर देखें, तो जो एनर्जी प्राइसेस हमने रिवाइज की थी, फिर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस ऊपर थी. आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू लग रहा है मुझे. आई डोंट नो इफ यू आर यूजिंग सेलुलर या वाईफाई, तो ये आपका पूरा आंसर जो है ना वो हम सही सुन नहीं पाए. देर वॉज लाइक डिस्टॉर्शन. अगर वाईफाई है तो कहीं थोड़ा सा देख लें कि सिग्नल ठीक है. मेरा ख्याल है मेरा वाईफाई जो है वो डिस्कनेक्ट होके वो इस पे LTE पे आ गया, तो आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक के नहीं आ रही? जी जी अभी अभी कुछ हाँ, लग रहा है बेटर है. तो बस वो बात मैं आपको वही कह रहा था कि जो इन्फ्लेशन की के वो पिछले साल का जो कमोडिटी की प्राइस पीक की थी और उसके बाद फिर जो है हमारा डोमेस्टिक प्राइसेस पास ऑन हुई थी एकदम, आपको याद है मई जून में बहुत ज्यादा बिजली की भी और पेट्रोलियम की भी, तो वो एक पूरा और करेंसी भी डेप्रिशिएट हुई, तो एक पूरा साइकिल आया था जो एक पूरे साल के लिए इन्फ्लेशन हाई ले गया था.
वो मई ऑनवर्ड वो ऐसा ऐसा टेपर ऑफ हो रहा है, तो इन्फ्लेशन अब थोड़ी आगे कम नजर आ रही है, और वो कम आएगी और ऐसा ऐसा करते को 15% पे चले जाएगी अगले साल के एंड पे। लेकिन उसका रिस्क है कि हमारे यहाँ अभी भी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बिल्ट हुई हुई हैं, और उसकी वजह से जो प्राइसिंग है लोग आज भी डॉलर के आज के रेट से हाई पे कर रहे हैं, और 6 महीने पहले भी कर रहे थे, और शॉर्टेजेस की वजह से भी प्राइस फर्क कर रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट की वेज और बाकी वेज का अब एक इम्पैक्ट भी आना है, तो और करेंसी ये सब करते हुए मे बी 15% पे ना आए 20% पे आ जाए। बट द पॉइंट इज कि सबसे बड़ा रिस्क करेंसी का है। अगर हम अपनी करेंसी को मैनेज कर लेते हैं, अगर हम IMF पे जाते हैं, तो करेंसी तो इन्फ्लेशन हमारी यहाँ से नीचे आएगी, वरना इन्फ्लेशन का एक फर्दर राउंड ऊपर जा सकते हैं, फिर उसके बाद नीचे आएगी। सो अगले कुछ महीने में किस तरह ये पैन आउट करता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड एब्सेंस ऑफ IMF इज प्लेइंग मोर रोल, वरना फंडामेंटली अगर मैं डार साहब से किसी चीज पे एग्री करता हूँ, नॉट के वो रियर कभी उल्टा सीधा कहते हैं, करेंसी ओवरशूट की हुई है आपकी, श्रीलंकन करेंसी 380 तक गई थी वो वापस आ गई है, पाकिस्तान की करेंसी ओवरशूट हुई हुई है। आज हमारी पॉलिटिकल सर्टेनिटी और इकोनॉमिक IMF क्लैरिटी और हमारी अगर फाइनेंसिंग के जो जो मसले हैं उसके ऊपर कुछ क्लैरिटी आ जाती है, तो ये बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशन रिवर्स हो सकती हैं। सो दैट्स ऑन द इन्फ्लेशन। सो विद सम कैवियट आई थिंक वी हैव रीच्ड अ पीकिंग पॉइंट इन मे। हाउएवर अगर ये चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो देन यू नो नेक्स्ट ईयर फिर दिस कैन गो फर्दर अप। और करेंसी को कहां पे देख रहे हैं? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। देखिए मेरे ख्याल में तो करेंसी जो है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल इकोनॉमिक डिमांड के ऊपर 250-260 से ऊपर मुझे नहीं समझ आती, टू बी ऑनेस्ट। सारे ग्लोबल फैक्टर्स को भी डाल दें, सब कुछ डाल दें, नहीं आती समझ मुझे। लेकिन इस वक्त सेंटिमेंट्स होते हैं और मार्केट में वो ड्राइव करते हैं, इस वक्त इस मुल्क से हर कोई पैसा बाहर निकालना चाह रहा है, सो एवरीवन वांट्स टू टेक द मनी आउट ऑफ द कंट्री। उसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि एक प्रेशर आ रहा है, फिर आपने इम्पोर्ट जो हुंडिया वाला पे डाली हुई है वो एक अलग से प्रेशर डाल रहा है। सो देर आर फैक्टर्स जिसकी वजह से पीपल आर स्टिल कन्वर्टिंग देयर पीकेआर इनटू द फॉरेन करेंसी, एंड वो एक और इस उसकी एक्सपेक्टेशन एक होती है, वो करेंसी को भी ऊपर लेके जा रहा है। सो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और करेंसी एक्सपेक्टेशन बोथ आर वेरी इंटरलिंक्ड। सो मेरे ख्याल में तो करेंसी IMF पे आज आप चले जाते हैं, अगले 3 महीने जो चीजें ले जाती है, तो करेंसी वुड बी बेटर देन व्हाट लेवल वी हैव टुडे, अदरवाइज ये ऊपर भी जा सकती है। ऊपर जाने का मैं नंबर नहीं देना चाहता, बट हम यहाँ पे सब हर तरह का नंबर सुन रहे हैं, तो एनी नंबर कैन कम अगर चीजें हाथ से निकल जाती हैं। सही सो सही जी। और अली भाई, अभी जो अगले हफ्ते है शायद MPC की जो अनाउंसमेंट होगी या मीटिंग, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे? हाँ जी, मॉनेटरी पॉलिसी जी अब का जो परसों डिसीजन है, देखिए आप अगर इस वक्त इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन हमारी जो है 29% की है पिछले 11 महीने की एवरेज, ठीक है जी, और अगले 12 महीने की हमें जो एक्सपेक्टेशन है बेस्ड ऑन दैट वो इससे नीचे की है। दैट्स अबाउट स्टेट बैंक जो है वो जो गवर्नमेंट का जो है वो 20% है। सो 20 भी ना हो तो 25 के करीब से ज्यादा तो नहीं आपको 12 महीने का आगे लग रहा बेस्ड ऑन द फैक्टर जो अभी हमने बताए हैं। अच्छा, आपकी इन्फ्लेशन इस वक्त 29% है, योर मॉनिटरी ग्रोथ इज 13%, और उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर जो आपका वो है वो क्रेडिट वो आपका श्रिंक हुआ है 6% से, और आपका जो गवर्नमेंट का क्रेडिट है वो इंक्रीज हुआ है, और आपका NFA है वो भी श्रिंक हुआ है, ठीक है जी। तो जो NDA जो आपका बढ़ा है 20-odd% वो सारा गवर्नमेंट के क्रेडिट से पड़ा है, तो और गवर्नमेंट का जो जो क्रेडिट है वो अनरिस्पॉन्सिव है, वो आपको फीड कर रहा है इस वक्त OMO ऑपरेशन से, जो 2 ट्रिलियन से शुरू होके इस वक्त 8-9 ट्रिलियन तक पहुंच गए हुए हैं इस साल के अंदर, और वो चली जा रहा है, और वो इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाते हैं कम करते हैं गवर्नमेंट अपना बोरो करे जा रहा है। अब आप इंटरेस्ट रेट और बढ़ाते हैं क्या उससे गवर्नमेंट बोरोइंग कम होगी, ये सवाल होता है, मुझे लगता है इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उस बढ़ाने से जो है आपका क्या प्राइवेट क्रेडिट पे इम्पैक्ट आएगा, तो प्राइवेट क्रेडिट पे बहुत इम्पैक्ट आएगा कि यहाँ पे डिफॉल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और उसका इम्पैक्ट भी नहीं रहेगा। फिर दूसरी बात, हमें ये सेवर्स की तरफ से अगर हम देखते हैं कि जी सेवर्स को हम रिटर्न नहीं अच्छा दे रहे, इन्फ्लेशन आपकी 30% पे है, सेवर्स को हम 21% के पॉलिसी रेट के हिसाब से रिटर्न देख रहे हैं,
तो सेवर्स की तरफ देखते हैं तो यार हमारा जो है, अगर अगर हमारी M2 जो है उसका मतलब 30% जो है वो तो करेंसी इन सर्कुलेशन है, जिसका आपका बैंक की रेट से कुछ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। फिर आपका बैंकिंग के अंदर जो है 40% जो डिपॉजिट्स है, वो 40% डिपॉजिट करंट अकाउंट है जो 0% इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। फिर उसके बाद देर इज अ गुड चंक ऑफ द रिमेनिंग जो सेविंग अकाउंट और टाइम डिपॉजिटिलिटीज है वो इस्लामिक बैंकिंग के हैं। वो इस्लामिक बैंकिंग ऑन एन एवरेज काफी नीचे रिटर्न दे रही है वर्सेस दैट। तो सेवर का आर्गूमेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे, और सेवर भी हमने देखा है कि वो जब एक्सपेक्टेशन करेंसी की है तो वो उस पर मूव हो रहा है, तो कितना उस करेंसी को छोड़ के इस पे आएगा दैट इज अनदर क्वेश्चन के काइंड ऑफ इनफॉर्मेलिटी इन द इकोनॉमी। तो उस सब चीजों को, इन सब चीजों को देखते हुए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कहाँ पे कोई इतना डिमांड साइड पे फायदा नहीं होता। अब अगला सवाल है, क्या हम एक्सपेक्टेशन को, जो इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन है उनको मैनेज कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से? तो जब एक्सपेक्टेशन है वो करेंसी के बेस पे है, इंपोर्ट की बेस पे प्राइसेस बढ़ी है, तो क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो चेंज हो जाएंगी? क्या हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाएंगे? वो मुझे नजर नहीं आते कि एट द स्टेज के जितना उसने डिमांड को कब करना था वो ऑलरेडी कर चुका है तो वो करेगा। इन अ नटशेल, रेट इस वक्त बढ़ाना नहीं चाहिए, और रेट कम क्या करना चाहिए? तो इससे आता है कि जी रेट कम करना चाहिए, बट चूंकि इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है तो बहुत ही गलत सिग्नल हो जाएगा रेट कट करना। आई थिंक रेट को ठीक करना चाहिए। अगर हम अगर इस वक्त बजट को देखें तो उसमें प्राइमरी जो है हमने मार्जिनल सरप्लस रखा हुआ है ओवरऑल कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट का, तो इसका मतलब है कि बजट जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। तो हमारी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो विद दिस फिस्कल इसको लेके चलते हैं, लेकिन हमें फिस्कल अचीवेबल नहीं नजर आ रहा। मे बी टैक्सेस और लगाने पड़ेंगे, बट वी हैव टू रिस्पॉन्स दिस फ्रॉम द फिस्कल साइड एंड मॉनिटरी पॉलिसी। ज्यादा इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो अनसर्टेनिटी की वजह से है, जिसमें बहुत बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल है। सो दोज पॉलिटिकल फैक्टर एंड अगेन पॉलिटिकल फैक्टर अ लिंक टू योर फिस्कल साइड, सो दैट योर फिस्कल साइड एंड द पॉलिटिकल फैक्टर हैज टू प्ले देयर रोल। देयर इज अ लिमिट थ्रू दिस इंटरेस्ट रेट और कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट रेट ऊपर करने का इस वक्त फायदा मुझे भी नहीं नजर आता। सो आई थिंक स्टेट बैंक का भी शायद सोच ऐसी हो और वो अनचेंज रखे, अनलेस के इट्स अ कंडीशन ऑफ द IMF एंड दे आर सीरियस अबाउट गोइंग टू द IMF, तो फिर बढ़ा देंगे। थैंक यू अली भाई। अच्छा, कुछ दोस्तों ने माइक रिक्वेस्ट किया है, जस्ट गिव मी कपल ऑफ मोर मिनट्स, आई हैव सम क्वेश्चंस। मेरे क्वेश्चंस के बाद आई विल गिव यू फ्लोर टू आस्क योर क्वेश्चंस डायरेक्टली, सो विल स्पेंड सम टाइम ऑन योर क्वेश्चंस, सो गिव मी लिल टाइम मोर, सो आई विल फिनिश माई क्वेश्चंस। अली भाई, आपने कंजम्पशन की बात की, तो सबको पता है कि पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो इंपोर्ट बेस्ड भी है। तो अगर आप एनालिसिस करते हैं, जब हम कास्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करते हैं, ये जो इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, उसका ऑब्वियस रिजल्ट तो कैड में है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कंट्रोल हुआ है, बट आप इसको किस तरह देखते हैं कि इसने ओवरऑल इकोनॉमी को किस तरह इम्पैक्ट किया है, प्रोज एंड कॉन्स अगर ब्रीफली बता सकें तो? देखिए जी, मैं इसको आपको पिछले साल लेके चलता हूँ। पिछले साल ये जब पिछले से पिछले साल की फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूँ कि जब आपकी दिसंबर अक्टूबर 2021 के अंदर हमें अंदाजा हो गया था कि हमारा करंट अकाउंट जो है ना स्लिप हो रहा है, जो बजट दिया था 2021-22 का इन्होंने अपना शौकत अरीन साहब ने, तो उसके बाद अंदाजा हो गया था कि उस वक्त हमने लिखना भी शुरू कर दिया था करंट अकाउंट स्लिप कर रहा है। उस वक्त स्टेट बैंक थोड़ा सा जो था लेट था इन द रिस्पॉन्स, रजा बाकर और उनकी टीम भी थी उस वक्त, तो वो थोड़ा लेट रिस्पॉन्स किया उन्होंने, बट स्टेट बैंक ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था और IMF पे भी हम चले गए थे दोबारा, और वो चीजें फिर ये था कि करंट अकाउंट थोड़ा मैनेज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली वो ऊपर चली गई अगेन, क्योंकि हम इंपोर्टिंग कंट्री हैं तो हमें कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर जाने का नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। और रिमिटेंसेस तो न्यूट्रल ही होती हैं उससे मोर ऑर लेस इन द शॉर्ट टर्म, तो रिमिटेंसेस तो हमारी वैसे ही रही, तो हमारा वो करंट अकाउंट उस डेफिसिट उससे बढ़ने लग गया। फिर आपका VONC और उसके बाद वो सब्सिडीज का देना, कमोडिटी प्राइसेस पीक कर जाना, नई हुकूमत आना और उसका भी उस सब्सिडी को दे के चलना, तो उसने चीजें जो है हाथ से निकाल दी थी। फिर जब ये जुलाई के अंदर उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब और उस वक्त के केयर टेकर गवर्नर मुर्तजा साहब ने सर जोड़ के बैठ गए
कि जी मुफ्ता साहब जाते थे प्राइम मिनिस्टर के पास के जी हमें शुगर एक्सपोर्ट करने का मौका दे, प्राइम मिनिस्टर जो ऑलरेडी इंपोर्ट पे बैन होता था उसके ऊपर एक और दवा खबर चला देता है इम्पोर्ट बैन कर दी हमने। फिर जब प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि भाई हम जरा गर्मी आ गई है बिजली के हमने इम्पोर्ट करते हैं तो हम जरा लोड शेडिंग का कोई प्लान कर दें, हम कोई डे सेविंग का प्लान कर दें, तो प्राइम मिनिस्टर कहते थे नहीं लोड शेडिंग जीरो होगी, हमने जाके एलएनजी इम्पोर्ट करनी है, ये करना है वो करना है। तो उन्होंने फ्रस्ट्रेट होके विदाउट सीकिंग अबाउट कि ये वैल्यू चेन क्या है क्या इम्पैक्ट होगा, उन्होंने फैसला किया कि जी मशीनरी इम्पोर्ट है चैप्टर 84-85 इसको हम 50% कर देते हैं। पहले एक महीने उन्होंने वर्बली करवा दिया, फिर अगले महीने नोटिफिकेशन भी दे दिया। उसमें गाड़ियां मोबाइल फोन और बहुत सारी और इंजीनियरिंग, हम अलमास हैदर साहब यहाँ बैठे हैं वो हमें बेहतर बताएंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट वैल्यू चेन पे पड़ा। तो वो आपने एक वैल्यू चेन को नहीं सोचा कि वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप एक ऑटो पॉलिसी लाए थे, एक मोबाइल फोन पॉलिसी लाए थे, फिर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट भी करती हैं, फिर उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो आपने नहीं सोचा। फिर आगे जाते हैं वो, फिर तो वो आपके रिजर्व गिरते रहे, IMF नहीं हुआ उस तरह से, 9th रिव्यू हमारा अक्टूबर से पेंडिंग है। तो अक्टूबर के बाद इन्होंने जो है आहिस्ता आहिस्ता उसमें सेक्टर बढ़ाने शुरू कर दिए, और फिर उन्होंने एक आर्बिट्री को एसेंशियल नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट की एक लिस्ट निकाल ली, अगेन विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, विदाउट थिंकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू चेन एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड शॉर्टेजेस एंड इकोनॉमिक श्रिंकेज एंड इंडस्ट्री क्लोजर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दे डिडंट थिंक अबाउट इट। तो आज उसके ऊपर हमारी ये सूरत हाल है कि हमारा LSM इस वक्त 25% से गिरा हुआ है, हमारे एक्सपोर्ट्स भी इफेक्ट हो रही है क्योंकि हम इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारे यहाँ से कंपनीज प्रॉफिट रिपैट्रिएट नहीं कर पा रही हैं, वो कंपनीज जो है चू और कुछ पे टैक्स लग गया और इनफॉर्मल इकोनॉमी बड़ी होती जा रही है, वो कंपनी पाकिस्तान को अपने एक लेवल नीचे लेते आ रही हैं कि जो बड़ी मार्केट होती थी अब छोटी मार्केट होती जा रही है, उनके लिए अफ्रीकन मार्केट्स की तरफ ट्रीट करने लग रहे हैं उनको। तो ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर देती है, बैंकिंग सोल्यूशन देती हैं, देती हैं वो देती हैं, वो पाकिस्तान से एग्जिट करने का सोच रही हैं। सो उसके बहुत बड़े बहुत दूरदायश नुकसान हैं, उसकी वजह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट मैसिवली बढ़ रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्लोज हो रही हैं, कुछ खुल भी ना पाए दोबारा, बैंकिंग सिस्टम के अंदर उसकी वजह से आपके वो आ सकते हैं जो वो डिफॉल्ट आ सकते हैं उसको किस तरह करें, जो आपने ऑटो पॉलिसी बनाई थी, जो मोबाइल फोन पॉलिसी बनाई थी वो पॉलिसी डिसरप्ट कर दी है, सो एंड सो फोर्थ। तो उसके यकीनन बहुत नुकसान आना था। फिर आपका 52% ऑफ द टैक्स कलेक्शन जो थी आखिरी FBR की जो समरी आई थी लास्ट ईयर के आपकी, तो वो इम्पोर्टेड स्टेज पे था, आपने इम्पोर्ट कम कर दी तो आपने टैक्सेस आपके चले गए। फिर आपने कहा ये कंपनी जो है जो डॉक्यूमेंटेड कंपनीज हैं और वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में है, वो ज्यादातर उनकी इम्पोर्ट जो है वो नॉन एसेंशियल बन जाती है, तो उनको ऊपर जो है आपने टैक्स लगा दिया, सुपर टैक्स लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, तो विंडफॉल टैक्स लगा दिया, पता नहीं क्या क्या टैक्स लगाना चाह रही है, और साथ ही उनका आपने गला भी घोंटा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन कैपिटल फॉर्मेशन की एक एक खिलाफ एक एक पूरा वो एक सिलसिला चल पड़ा जो चाहते ना चाहते हुए ऐसा हो गया। सो ये एक मतलब इसको जब हम वापस रिविजिट करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बेहतर तरीका ये था कि ये करते कि जी पूरी इकोनॉमी को एक श्रिंक करना शुरू करते, आप गाड़ियों के अंदर पेट्रोल की कंजम्पशन को कम करते, वर्क फ्रॉम होम करते, दफातर को कम कर देते, कोविड की तरह हाफ वो कर देते लॉकडाउन, जो दफ्तर घर से काम कर सकता है वो करे, ये सारा कुछ करते, मुख्तलिफ चीजें करते और हर सेक्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन कम करते ताकि एक ओवरऑल इकोनॉमी थोड़ी सी श्रिंक को वैल्यू चेंज डिस्टर्ब ना हो, बट दैट कुडंट हैपन। तो आज जो है वो एक सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो चुकी है और इसको अनवाइंड करने में काफी टाइम लगेगा। थैंक यू अली भाई। अली भाई, आई हैव जस्ट टू क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू आस्क टुगेदर। एक तो जो की हाइलाइट्स हैं बजट की या जो मेजर पॉलिसी चेंजेस हैं अगर वो थोड़ी सी बता दें, और दूसरा नॉर्मली एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी ओवरऑल असेसमेंट क्या है कि ये बजट हमारे कंट्री को, इकोनॉमी को और कैपिटल मार्केट्स को गोइंग फॉरवर्ड किस तरह इम्पैक्ट करेगा? देखिए जी, इस बजट की कोई खास डायरेक्शन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इस बजट के अंदर एक थोड़ी सी ये है कि आपने तनख्वाहें शंघाई बढ़ा दी प्रेशर में, ये सारा कुछ आपने इस बजट के अंदर सिर्फ एक सुपर टैक्स हुआ, आपने उन्हीं लोगों को जिनको टैक्स करते हैं आपने वो सुपर टैक्स उनका बढ़ा दिया है।
एक आपने विंडफॉल टैक्स कर दिया है कि जिसके ऊपर यह है कि जो कंपनीज जो पैसा बनाती है, अगेन वो डॉक्यूमेंटेड है, वो अपना पैसा शो करती हैं, कहीं पे उन्होंने कोई स्मार्ट डिसीजन कर लिया, कोई अच्छी ट्रेड कर ली, कहीं पे उनको कोई गेन हो गया, तो उसको आप जाके अब टैक्स करेंगे, किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, वो रेट्रोस्पेक्ट पिछले 5 साल में करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बोनस टैक्स को कर दिया, लोगों को डर है कल को रिजर्व को पे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व को टैक्स कर देंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन के वो उस तरह से उस तरह अगेंस्ट है। और साथ ही है कि आपने रिटेल एंड ट्रेड के ऊपर डिजिटाइजेशन और उसके ऊपर जो स्टेप्स है उसके ऊपर आपने जो पिछले साल हो रहे थे शौकत तरीन तक के जमाने में, वो उसके बाद रिग्रेस हो गए और उसके बाद उस पर अब कोई काम नहीं हो रहा। आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे विदहोल्डिंग टैक्स 0.6% कर दिया है, जिसकी वजह से जो लास्ट टाइम हमने देखा था 2015-16 में किया था, तो 3% ऑफ M2 जो है वो करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गई थी, 24 से 27% पे 1 साल में चली गई थी, समथिंग लाइक दैट। तो वो बहुत बड़ा एक जंप आया था उसमें। तो अब क्या इस साल उस तरह का जम दोबारा आएगा? क्या और लोग पैसा निकालेंगे, या चले जिन्होंने पैसा रखा हुआ है अनडॉक्यूमेंटेड, और वो ये कहेंगे कि ठीक है जी, अब इंटरेस्ट रेट भी अच्छे दे रहे हैं, तो 0.6% है इतना, तो हम जो है ना 21% के रिटर्न के ऊपर आप देखें तो उसपे 30% टैक्स भी लगा लें, तो वो आपका तकरीबन बन जाता है 15-14-15%, तो उसको आप देखें तो महीने का आपका 1.5% बन जाता है। तो कहते हैं यार ठीक है, आधे महीने में 0.6% हम बना लेंगे, तो ट्रांजेक्शन पे लगा ले, तो कितना निकलता है वो वी विल हैव टू सी दिस, बट इन अ नटशेल बाकी बजट के अंदर मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स नहीं नजर आए, कोई मतलब किसी को टैक्स किसी डायरेक्शन में कहीं आगे पीछे करने का या किसी सेक्टर को बहुत मराहत देने का वो नहीं नजर आया। और मुझे लगता है जैसे सबको ही लगता है कि ये है कि क्योंकि IMF पे जाएंगे रियलिस्टिक के टारगेट्स नहीं है, तो परहैप्स आपको एक मिनी बजट लाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे या PL इस तरह की चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। अली भाई, जनरल पब्लिक का अभी जो सबसे बड़ा मसला है राइट नाउ, दैट्स इन्फ्लेशन, महंगाई। इस बजट में महंगाई को कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई है आपके ख्याल में? देखिए जी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अभी बहुत हमने बात की थी कि फिस्कल जो है ना कॉन्ट्रैक्शनरी होना चाहिए, उसके लिए आपको पिछले साल 3% का जो है ना, इस ये जो भी साल गुजरा है इससे पिछला जो साल था, जो जो हमारे जिसमें कमोडिटी प्राइस पीक कर गई थी और आखिरी हाफ में PONC से पहले और बाद में जो है मतलब बिल्कुल ही कोई गवर्नमेंट पे कोई हाथ नहीं था किसी का, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट जो था -3% का था। उस -3% प्राइमरी डेफिसिट एंड लेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी आज आपकी इन्फ्लेशन 30% पे आ गई है। तो इस वक्त हमें हमने इंटरेस्ट रेट तो 21% पे कर दिए हैं, हमें इस वक्त +3% जो है ना प्राइमरी सरप्लस देना चाहिए था, ये मैसेज देना चाहिए था। हमने हमने 17.5% पेंशन कर दी, 800 बिलियन की पेंशन होगी और पेंशन इतनी बढ़ी है कि उसका समझ नहीं आ रही, फिर 30% नौकरियों की तनख्वाही बढ़ा दी, उसकी भी पेंशन, यू नो वो एक डायरेक्शन नहीं समझ आ रही कि किस तरह से है, आप ये खर्चे कैसे पूरे करेंगे। आपने 1200 बिलियन का तकरीबन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी लिख दिया जो 550 बिलियन का ये है, ये आप मैसेज ठीक नहीं दे रहे। यू हैव टू शो अ वेरी 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 मतलब कंट्रैक्शनरी और बड़ा कंजर्वेटिव बजट देना चाहिए था, जो हमने नहीं दिया है, तो उसकी वजह से वो इन्फ्लेशन जाहिर बात है वो नहीं कंट्रोल में आएगी। आम आदमी को तो ये बात इस तरह नहीं समझ आती, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के आपके पास जो टूल है वो यही है कि या तो आप फिस्कल साइड को कंट्रोल करें या मॉनेटरी साइड को करें, और मॉनेटरी साइड प्राइमरी होता है उसको आपने कर दिया, फिस्कल साइड के बगैर वो अनरिस्पॉन्सिबल हो रहा है जब प्राइवेट क्रेडिट तो हो नहीं रहा, तो फिस्कल साइड से इन्फ्लेशन ज्यादा इस वक्त कंट्रोल नहीं हो पाएगी। अली भाई, जो इंसेंटिव दिए हैं फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स या ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, क्या ये मैजिक कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन को ही देखें, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मैंने 14-15 अगर मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें मुझे 7-8 मिलियन इन डॉलर टर्म्स का लॉस है इवन आफ्टर एवरेजिंग। जब इन्वेस्ट RDA का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था तो आई थिंक उस टाइम 150 से 165 या इस तरह रेट था। अभी देखें 300 है, तो किस तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह की इंसेंटिव देंगे तो कुछ वो उससे कुछ इम्पैक्ट आएगा आपके देखिए ख्याल ना, में? व्हाट दे हैव डन इज डज इट मेक एनी सेंस? अच्छा आपका सवाल है कि जी RDA के अंदर रिटर्न आए, मैं उस पे आता हूँ, और जो इन्वेस्टमेंट ये की है जो इन्होंने इंसेंटिव दिया है, लेकिन उससे पहले मैं बड़ा फंडामेंटल फिलोसॉफिकल सवाल पूछता हूँ। जी इन्वेस्टमेंट
इज नॉट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज बाय एंटरप्रेन्योर, बाय अ स्मार्ट गाय हु हैज मनी एंड हु वांट टू स्पेंड दैट मनी स्मार्टली वेयर एवर द रिटर्न इज हायर. सो यहाँ का डोमेस्टिक इन्वेस्टर इस वक्त जिस स्पीड से यहाँ पे अपने एसेट्स को बेच के पैसा निकाल रहा है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट के बार वाला पैसा बेचेगा? बिल्कुल. जिसके पास तो बार सारी ऑप्शन है, वो यहाँ वाला पहले वो प्रॉपर्टी बेचता है, वो प्रॉपर्टी डिस्काउंट पे बेचता है पीकेआर में, फिर वो ओपन मार्केट में जाके प्रीमियम में डॉलर खरीदता है, और फिर वो पैसा बेचता है बाहर, और फिर जहां बेच रहा है उधर भी उसको वाइट करने के लिए उसको खर्चा कर रहा है, वो अच्छा खासा डिस्काउंट लेके निकाल रहा है. मतलब वो यहाँ से निकाल रहे तो बाय वाला कैसे बेचेगा? तो पहले तो आपको सोरेबल और एनवायरमेंट को सूटेबल करना है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट आए, वरना जो एनवायरमेंट आपने क्रिएट कर दी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट गिरती जाएगी और मुल्क में पावर्टी बढ़ती जाएगी और जीडीपी स्लो ग्रोथ करेगा और पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन करती जाएगी. सो वी आर ड्रैगिंग आवरसेल्फ इनटू अ पावर्टी इफ वी कंटिन्यू विद दिस पॉलिसीज व्हाट वी आर डूइंग विदाउट रियली changing him and making some structural changes and we've been taking those painful decision where the political will and the writ of the state is required. वो तो हमें होती नजर नहीं आ रही है जी. ठीक है जी. तो अब उसमें अगर हमारा ये problem है, ये एक overall philosophical fundamental issue है. Now coming to your specific question, first on the RDA. RDA देखे जी, RDA में अगर आपने PKR में आपने invest किया तो yes you have that problem. But RDA में what I've learned that the majority of the people invested in the USD or some foreign currency. So they are covered. और वो किसी वक्त भी निकाल सकते हैं उसको, और उसमें कोई बहुत बड़ी पेनल्टी भी नहीं है. जिस वक्त तक जो उन्होंने रखा है उस वक्त तक का रिटर्न उन्हें मिलेगा. बट वो काफी अब निकल रहा है और उसमें इंक्रीमेंटल नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ द कंट्री रिस्क वी हैव. कल को क्या वो रीपे पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. दूसरा जो इन्होंने इस बजट में इंसेंटिव दिया, और हिस्टोरिकली जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट पैसा ज्यादा बेचता रहा है अपार्ट फ्रॉम द कंजम्पशन रीजन, दैट मनी इज फॉर यू नो चैनलिंग इनटू द रियल स्टेट. ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स द एक्सपर्ट हैज रियलाइज दैट व्हाटएवर द एप्रिसिएशन यू हैड इन द रियल स्टेट मार्केट इन द शॉर्ट रन बिटवीन पाकिस्तान, बट विद दिस करेंसी एडजस्टमेंट दे आर नॉट मेकिंग रिटर्न्स. सो वो भी जरा जो है वो भेजना कम हो गया हुआ है और आजकल मार्केट वैसे ही डाउन है. तो अब वो चाह रहे हैं कि दे वॉन्ट अगेन के जी रियल स्टेट के अंदर जो है वो आए अगेन. इमरान खान साहब भी यही चाह रहे थे. इमरान खान साहब से मेरा आखिरी शौकत तरीन से जो इंटरव्यू हुआ था तो उनके प्लान में भी ये पार्ट था और वो भी कर रहे हैं. लेकिन अब उसमें एक तो ग्लोबल हालात, मुल्क के हालात, और तीसरा के एक्सपैट का सेंटिमेंट कैसा है. सो ऑल दीज थ्री फैक्टर्स. तो एक्सपैट का सेंटिमेंट तो जो मेरी लोगों से बात होती है वो तो नहीं है लगता इन्वेस्ट करने का अंडर दिस गवर्नमेंट. और ग्लोबल हालात भी बाहर अभी इंटरेस्ट रेट हाई है, सो पाकिस्तान हैज टू ऑफर मच हायर रेट एंड द कंट्री डिफॉल्ट रिस्क और द वे द पीपल आर टेकिंग मनी आउट, मुझे नहीं लगता कि एनी मीनिंगफुल मनी टू कम थ्रू एक्सपैट्स एनी टाइम सून. जी थैंक यू अली भाई मेरा वो पॉइंट स्टॉक पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट से था क्योंकि वो तो पाक रुपी में जाती है और उसकी मैं बात कर रहा था कि मैंने पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था आरडीए जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें डॉलर टर्म्स में इट्स लाइक 55% लॉस. और एक दिन मैंने एक एंग्रो का चार्ट शेयर किया था, मैंने कहा इट्स गुड टाइम टू बाय बट आई विल नॉट सेंड एनी मोर मनी, मुझे नहीं पता कि रुपये किधर जाएगा. तो वो हमारे कुछ दोस्त ही थे तो उन्होंने फिर ट्रॉल करना शुरू कर दिया और इतनी बात आगे बढ़ा दी कि उन्होंने मतलब स्कैम तक ले गए कि सरमाया जो ट्रेनिंग दे रहा है स्कैम है. मतलब गुस्से में इतना आगे कि व्हाई शुड आई से दैट आई एम नॉट गोइंग टू सेंड एनी मोर मनी टू पाकिस्तान. भाई जो Absolutely. एक तो रुपये का मुझे नहीं पता, दूसरे हालात का भी नहीं पता, कैसे लोग पैसे भेजेंगे. मैंने यूएस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मार्केट्स आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल, व्हाई नॉट आई शुड सेंड मोर, बिकॉज मैं तो यूएई में हूँ, दुबई में हूँ, मुझे तो इस तरह का कोई इशू नहीं है कि मैं पैसे नहीं भेज सकता. एनीवेज बट आपको भी मैं देखता हूँ ट्रॉल तो काफ़ी पोलिटिकल ट्रॉल्स करते हैं but I think that's the life, that's the part of democracy, jo logon ne kehna keh lete hain. My last question Ali bhai, then we give the floor to our audience, jinhone bhi apne question puchne hain, please mic request kare, I'll make you speaker and then you can ask your question directly to Ali bhai. Ali bhai, is pure scenario ke baad
जो हमारे ज्यादा ऑडियंस हैं इस कॉल पे, दे आर रिटेल इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट. तो व्हाट इज योर एडवाइस, कौन सी जो चीजें हैं उनको हमें देखना चाहिए, या कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके ख्याल में हो सकती हैं, मे बी किसी सेक्टर्स में जिसमें कम इम्पैक्ट है या पॉजिटिव है. जिस तरह रियल स्टेट की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड तो ऑफकोर्स सीमेंट सेक्टर है. इफ यू फील कंफर्टेबल गिविंग एनी एडवाइस, नॉट अ बाय सेल कॉल, बट वेयर शुड आई फोकस गोइंग फॉरवर्ड. अच्छा देखे थे, हाँ बाय सेल एडवाइस तो देनी भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मतलब विदाउट एनी 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 सब्सटेंशिएट रिसर्च इन दैट पर्टिकुलर कंपनी और सेक्टर, एंड वो नहीं देनी चाहिए। वो तो बात से है कि लोग फिर अपना डिसीजन अपनी वो रिस्क के साथ अपने ब्रोकर के साथ डिस्कस करके करें। द थिंग इज दिस कि जी, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि फंडामेंटली हमारी मार्केट इस वक्त जो है 2 to 3 के पी पे काम कर रही है, ठीक है जी। अब ये जो इसमें अर्निंग का कुछ इम्पैक्ट आएगा इस बजट के बाद, क्योंकि आपने सुपर टैक्स लगा दिया है, मे बी वो 4 के पी पे आ जाएगी, ठीक है जी। और हिस्टोरिक पी 7 to 8 का रहा है, और आपका रीजनल पी इज मच हायर देन दैट, तो देर इज अह्यूज पोटेंशियल इन द मार्केट एंड टू कम बैक कम अप एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल में तो अगले 2 साल में पाकिस्तान में किसी एक जगह पे रैली होनी है तो वो स्टॉक मार्केट में रैली होनी है, और वो रैली इसलिए होनी है कि उसको सिर्फ जो है आपको उसके उसके लेवल तक पहुंचना है जहां पे वो है। सो वो तो ये है कि दैट्स फंडामेंटली दैट्स गोइंग टू हैपन। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट हमारा हमारी मार्केट में जो है बड़े हैवी वेट्स हैं, ऑयल एंड गैस के हैं, और बड़े हैवी वेट हमारे बैंक्स के हैं। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों सेक्टर में गवर्नमेंट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऑयल एंड गैस में सर्कुलर डेट और कंपनी के गवर्नमेंट ओन कंपनीज और सारा कुछ आपको पता है। बैंक्स के अंदर जो है आपके 50% ऑफ द बैंकिंग एसेट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, और इंक्रीमेंटल जो है 90% 80% के अराउंड जो एसेट्स बन रहे हैं वो आपके वो उधर जा रहे हैं, डिपॉजिट जो है वो कन्वर्ट होके गवर्नमेंट लोन में जा रहे हैं। और अगर हम गवर्नमेंट के डेट की रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे वो के डोमेस्टिक डेट इज हायर देन जो एक्सटर्नल डेट, और अगर एक्सटर्नल डेट को रिस्ट्रक्चर करते हैं तो वो डोमेस्टिक के ऊपर भी बात करता है। तो दैट्स अ फियर, तो वो अब बैंकों के पर उस गवर्नमेंट के डेट की वजह से बहुत बड़ा रिस्क है कि विच इज सपोज टू बी द सॉवरन, बट द सॉवरन रिस्क इज वेरी हाई। सो दैट्स वन प्रॉब्लम फंडामेंटली के जी, जो आपके जो दो बड़े सेक्टर हैं मार्केट के वो गवर्नमेंट के वजह से जो है उसके बोझ पे डले हुए हैं। अब बाकी सिक्लिकल की अगर आप बात करें तो देखें, इंटरेस्ट रेट जब तक मेरे ख्याल में अगर इन्फ्लेशन इट रिमेन्स राइट, तो मार्केट का और इंटरेस्ट रेट का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इंटरेस्ट रेट अगर इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल कमिंग फिस्कल ईयर इफ दे स्टार्ट टेपरिंग ऑफ, तो देयर विल बी पोटेंशियल इन इन द साइक्लिकल एंड ओवरऑल मार्केट टू रिप्लेस फ्रॉम यू नो बॉन्ड्स टू दैट द स्टॉक मार्केट साइड। तो उसमें तो पोटेंशियल अगले साल में मुझे नजर आ रहा है, और अगले 2 साल में नजर आ रहा है। सो पिक गुड कंपनीज, आपके फर्टिलाइजर आर गुड कंपनी, सो गुड सॉलिड आपकी सीमेंट देखें, और ग्रुप्स हैं आपके अच्छे जो उनको देखें, एंड एंड टेक के अंदर। सो पिक पिक गुड कंपनी, सॉलिड कंपनीज, एंड आप अपना अपना थोड़ा उस पर पोर्टफोलियो बिल्ड करें, होराइजन 2 साल का रखें। पाकिस्तान में अगर आपका पीकेआर में कहीं रिटर्न आपको मिलना है तो यही मिलना है, एंड इवेंचुअली करेंसी ऊपर जाके वापस भी आनी है। सो कीप दैट पेशेंट एंड दैट्स हाउ इट इज। सो इससे ज्यादा तो बस ये मेरा एक व्यू है कि इसमें स्टॉक दैट्स हाउ स्टॉक मार्केट आई सी इन द नेक्स्ट 2 years। एक्सेलेंट, 100% एग्रीड अली भाई. ओवेस साहब प्लीज गो अहेड, मोहम्मद जी ओवेस. सलाम अलैकुम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अलाउ किया मुझे. असल में इस वक्त जो कैपिटल मार्केट्स की जो सिचुएशन है, हम तो यही देख रहे हैं कि जी कंटिन्यूसली जो है गवर्नमेंट सॉफ्ट टारगेट्स को ही हिट कर रही है बार बार, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो. तो वो जो ऑलरेडी टैक्स नेटवर्क में उनके ऊपर ही मजीद टैक्स का बटन लगा के वो अपने टारगेट्स हम किसी तरीके से कोशिश करते हैं उसको अचीव करने के. ये कोशिश रही नहीं है पाकिस्तान की, जब 15 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि कोई नए लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाने की कोशिश की जाए, जो आउट जो टैक्स नेटवर्क में नहीं और जो लेविश लाइफ स्टाइल भी गुजार रहे हैं. एक प्रॉब्लम तो ये है पाकिस्तान का जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना चाहिए. मुझे अभी तक इतनी गवर्नमेंट्स आई गई, इतने फाइनेंस मिनिस्टर्स को देखा मैंने, मगर किसी ने भी इसके ऊपर काम नहीं किया कोई सॉलिड. सेकेंड भाई क्वेश्चन क्वेश्चन है भाई, डू यू हैव अ क्वेश्चन अवैस भाई? जी अस्सलाम वालेकुम, एक मेरा क्वेश्चन है, या मैं पूछ लूं? जी प्लीज गो अहेड बल्कि. जी इस दफा जो आया बजट, उसमें आपने देखा होगा कि एक पॉइंट ये भी है कि
एक स्पेशल टैक्स भी लग सकता है, विंडफॉल टैक्स अप टू 50%. तो आपके ख्याल में ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस बात पे पहले, इस पॉइंट पे पहले बात की है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया स्पेस. तो अली भाई, आपके ख्याल में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं? हाँ जी, ये जो 50% टैक्स है विंडफॉल, ये इसमें बड़ी एम्बिग्युटी है. इसमें एम्बिग्युटी है, एक तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है और ये आपका बैंक्स के ऊपर भी, एक्सचेंज के इनके ऊपर लग सकता है, बैंक के ऊपर पीआईबी के अच्छे गेन पे भी लग सकता है ये, और ओएमसीज ने तो ज्यादा लॉसेस किए हैं तो उनके ऊपर शायद उस तरह ना लगे, बट ये ईएनपी कंपनीज के ऊपर भी लग सकता है. ये आपकी टेक्सटाइल वाले जो जो के डॉलर करेंसी डेप्रिसिएशन से जो अपना वो गेन्स करते हैं उन पे भी लग सकता है. बट ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव है तो उसमें ये लिटिगेशन में जाएगा, मुझे नहीं लगता ये उस तरह लग पाएगा. हाँ, इसको वो जो है प्रोस्पेक्टिव करके और इसकी लैंग्वेज को ठीक करके ये किसी ना किसी शेप में लग सकता है, बट अभी मुझे लगता है कि ये चैलेंज हो जाएगा. अजफर साहब, प्लीज गो अहेड. सलाम अलैकुम, हाउ आर यू? गुड. एक तो ये कि अभी इसमें उन्होंने कहा था कि इसमें कि $1,00,000 ओवरसीज पाकिस्तानी ला सकते हैं, उनसे पूछा नहीं जाएगा सोर्स ऑफ फंड के पैसे कहाँ से आए, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, नंबर वन. सेकेंड क्वेश्चन इज कि रियल इस्टेट स्पेशली कराची से रिलेटेड तो मैं कह सकता हूँ 2018 से चली नहीं है. अभी आपने कहा कि आप 2 साल में रैली देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में रैली आ सकती है. डू यू बिलीव कि रियल इस्टेट में भी रैली के कुछ चांसेस हैं आने वाले सालों में? यार देखिए, रियल स्टेट के अंदर मुझे उतना वो रैली, टू बी ऑनेस्ट, उस तरह एक नजर नहीं आ रही अभी फौरी तौर पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो मतलब आप ये देखे जो ये 52,000 का लेवल इसने किया था 2016 में गालिबन, ठीक है ना. रियल स्टेट के जो बड़े हाई जो जंप लगे हैं वो 2021 तक जाके लगे हैं, 29 से 2021-22 में इसने बहुत इसने मल्टीप्लाई किया है. और वहां पे जाके वो जो है वो चीजें अब उस पे जो है ये फाइल्स एंड ऑल दैट, स्मगलिंग का पैसा ये निकल भी रहा है, ठीक है ना. और अब वो जिस तरह से वो पैसा पार्क हुआ था रियल स्टेट से, आपको पता है कि वो लोग बेच के मुल्क से निकाल भी रहे हैं और इंक्रीमेंटल वो उस पे नहीं आ रहा. तो मुझे अभी वो उस तरह से चलता वो एकदम नजर नहीं आ रहा, बट रियल स्टेट में एक ही जंप आएगा. रियल स्टेट में यूजली एक जंप आता है, वो जंप परहैप्स जब जरा कोई इंटरेस्ट रेट नीचे जब आ जाएंगे पूरी तरह से और तो वो जंप जरूर आएगा उसमें, बट वो भी सिलेक्टिव अब किस तरह आता है क्या आता है, क्योंकि उसमें अगर उसमें ये इन्हें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगले IMF प्रोग्राम में उसके ऊपर कुछ सीरियस लैंड के ऊपर और उसकी होल्डिंग्स के ऊपर टैक्सेशन पे जाना पड़ेगा. तो दे डूइंग समथिंग सिमिलर इन श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज. वो यहाँ पे जब अगला IMF प्रोग्राम होगा वो आपके वो डिफेंस सेंडिंग स्पेंडिंग से लेके रियल एस्टेट के एंड एवरी दे विल गो इन द डिटेल्स ऑफ थिंग्स. सो वो उस पे वो भी एक प्रेशर रहेगा. तो सिलेक्टिव जगहों पे यू नो ये अब उसमें भी यही है कि अ गुड प्रोजेक्ट वुड यील्ड सम रिटर्न आई गेस, बट वो कितना आएगा मुझे भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि उसमें ये कुछ ऐसा है कि जो आपने पिछले 2-3 साल में देखा है यू विल बी एबल टू सी इट अगेन एनी टाइम सून. थैंक यू. यू वेलकम. Aj Kazi, I have a question. Ali, yesterday, Isaac Dar Saab briefly touched upon in one of his talk shows that there is a possibility of Pakistan going for a debt restructuring. Aapne bhi isko touch upon kiya. I just wanted to know how will it play out given the fact that number one, we have major external refinancing needs. Second, number two is that this is an outgoing government with max 2 months left and then we have an interim government. So how will this play out? And third is, and you also mentioned about the internal leg of it, that domestic restructuring and external restructuring. TNCs, you can't keep them apart. These two will become interlinked. So just wanted to hear. That's a very good question. And I'd like to respond in English since this might be interest of Alia here and other perhaps people who don't understand Urdu. So it's like, you know, the what Dar Saab is saying and what the ma'am Aisha said in the last week or so is this, that they want to reprofile the external debt
not restructured. And I think I subscribe to the view, and I've been saying to people this, that perhaps we need this to reprofiling. So your external debt repayment in the next year is about $24 billion. And similar is the amount the next 10 year, next year, 24, 25, 26. That's how it is. And within that, about $20 billion next year is the government payment, and the rest is the private sector. And within that $20, $21 billion of the government payment, you got like $10 billion of short term. And those $10 billion are going to roll over, then that's those $10 billion going to roll over in 25 and 26 as well. So when you take those $10 billion of rollover into some long-term thing, and in addition, another $5, $10 billion for the long-term, so you got a solution of $20 billion next year. And then the next year to next year, you got remaining a problem of $10 billion. And when this kind of a stability coming in and all that, then investment can start pouring in back. The people who are taking money out from the Pakistan, they'll bring in. The expat will bring money. The FDI will pour in. So when the tables start turning, when you see that someone is really putting it hard money on the table, things can shape up and sentiments can change quickly. I mean, given the softening on the global side, the inherent potential of the domestic economy, and this whole adjustment which we took in the last few years, all you need is some kind of a make some right movement on those the structure issues, which is the main challenge, and that's why nobody is giving us the money. So that's a chicken and egg problem. But given that reprofiling of that $10 billion or 5-10 additional is a good thing. Now, when the people say that, if we talk about the reprofiling, so is it dealing with NPVs, like you turning the short-term loans into the long-term loans, which means you'll be paying higher cost? I mean, that's perhaps not correct in the Pakistan case. If you see the yields of Pakistan bonds, both internationally and the domestic currencies, the yield curve is somehow inverted. So the problems are more short-term. So when you convert those short-term into the long-term, your effective rate should come down rather than going up. That's how I see it. I mean, if you deal it right, if you negotiate it right. So that's the thing. And if you'll be able to do with your friends, and then, you know, Ishaq Dar said another thing yesterday on that show, is that we don't need to touch the multilateral land. We don't need to do this for the market loans. All we need to do is the bilateral loans. So you got... out of the 100 billion government debt, you got about 40, 45 from your multilaterals, IMF and IADB and World Bank, and the biggest chunk is of the World Bank. So the World Bank is two arms. One arm gives you loan for certain cases, the other arm gives you the for certain cases. If that one arm where you're paying, the other arm would keep giving. And these are the long-term concession loans, so that'll churn out that way. And of course, you need to be in the IMF program without saying that. Otherwise, there's nothing in that. And then what you need to do is sit down with bilateral. You got China. That's about $27 billion loan. And Ishaq Dar said, we don't need to go to the Paris Club. Absolutely. You have $8 billion, $9 billion of the Paris Club, which already restructured. And it's not that heavy. So you don't need to go and $4-5 billion on the Japan loan and another loan to really talk on that. You talk on the China, $37 billion. Then you got some deposits and all that from UAE and the Middle East. And then here you can potentially tap some investment that to come in the park and that. The China can put in the money in the ICBC here and all that. And then they buy domestic assets here in PKR and all that and do the things. So that's how things can pan up. That's one positive scenario which can come if we do it right. And that's what Ishaq Dar is somehow saying to that. But if we don't do it right, if you don't do it right and don't do it timely, then, you know, then you go into the debt restructuring, and then that would happen, like, you know, your debtors will come, they'll open up, okay, so we haven't really spent much on the lawyers and stuff like that, and everyone would have the first right, and, you know, everyone wants every other guy to come on table to the haircut, and it's a mess, then the geopolitics come there, which Ishaq Dar mentioned yesterday in that show as well. So geopolitics, you know, that comes into the play and all that. And then they ask for the domestic debt restructuring, time passed by that. You know, it's a very painful time.
So that's, and where things would go worse before they actually improve. So that's a fear if we don't do it right. And market doesn't have much trust on Ishaq Dar that he'll do it right way. Kazi bhai, are you okay with it? Any other question? No, thank you for a very elaborate answer. Thanks a lot. My only unanswered component is that in terms of timing, that this government is on the way out and we'll have an interim government coming in soon. So, but nevertheless, what's right needs to be done now. Absolutely. About the timings, there's the unclarity on the how the politics move up. And that's, you know, that's again, there are too many theories, but I don't want to delve into that. Ishaq Dar wants perhaps that this government to stay for one more year. And I would stop here. Assalamu alaikum. Ji, wa alaikum salam. Sir, I'm not very much aware of the finance and how that works. कुछ दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा जरदारी साहब ने कहा था कि he has some kind of plan for the economy जहां पे पैसे काफी डॉलर्स आएंगे और अगले दिन डार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा था कि जरदारी साहब के पास प्लान है तो क्या आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं तो मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अब एक मतलब अभी गवर्नमेंट में हैं दोनों पार्टीज तो आपस में इनकी आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन नहीं हो रही तो इसलिए एक बंदे को पता भी नहीं है और दूसरा बंदा कह रहा है कि मेरे पास प्लान है तो ऐसे सिचुएशन में मेरे जैसा बंदा अब इन्वेस्ट करना चाह रहा है लेकिन मेरे जहन में ये डाउट तो आएगा कि यार अभी ये जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है उनने कोई प्लान मतलब एक प्रॉपर प्लान होता है ना जैसे मुझे किसी चीज़ पर सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ यार ये बात कर रहे हैं देर इज़ सम बैकग्राउंड टू दैट देर इज़ सम evidence or something is supporting that argument lekin is situation mein jahan pe itna doubtful statements aa rahi hain aur aapko kya lagta hai ki aise environment mein investor acha theek ji investor kya invest karega aap keh rahe hain na ki stock market rally karegi to us bare mein puch raha hu kya is environment mein itni आपने जो बात इस तरह की जरदारी साहब ये कह रहे हैं सागर साहब ये कह रहे हैं तो जरदारी साहब एक इलेक्शन पिच दे रहे थे जरदारी साहब इलेक्शन पिच दे रही है कि जी इलेक्शन होगा मतलब यू नो पंजाब के लोगों मेरे साथ ज्वाइन करो आई विल हेल्प यू यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक एंड लेट्स गेट टुगेदर एंड विल ब्रिंग इन्वेस्टमेंट राइट दैट वाज एन इलेक्शन एंड इसहाक डार इज डीलिंग विद टुडे व्हाट्स हैपनिंग के आज क्या हो रहा है ठीक है ना तो ये मतलब एक बड़ा सिंपल सा जवाब है तो मैंने अभी जो पिछला जो जिस तरह पूरा जवाब दिया था कि अगर वो सिचुएशन वो फ्लिप हो जाती है और इलेक्शन हो जाते हैं और बिलावल ये जरदारी साहब जो है गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर वो जरदारी साहब उस तरह की सिचुएशन को करके बात कर रहे होंगे और नेचुरली इसहाक डार साहब जो है वो उस अगली गवर्नमेंट में लगता है नहीं होंगे सो दैट्स हाउ इट इज तो ये अनसर्टेन है क्योंकि ये सब आपस में इनकी भी आपस में लड़ाइयां शुरू होने वाली हैं सूनर और लेटर कि इमरान खान साहब को अगर आपने सिंगल आउट कर दिया है सो यू कॉन्ट एन इमरान इफ यू टेकन हिम आउट ऑफ द इक्वेशन देन यू कॉन्ट द रेस्ट ऑफ द प्लेयर टू फाइट फॉर द पाई तो वो और सिंस इलेक्शन परहैप्स आर राउंड द कॉर्नर सो दे 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 वुड फाइट फॉर इट तो क्लैरिटी तो अभी इतनी जल्दी नहीं आती ना जब तक ये कि आपकी अगली गवर्नमेंट नहीं आती दैट्स हाउ इट और मैं जहीर साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस तरह के बयान सुन के इन्वेस्ट करना है तो फिर भाई आप रहने ही दें ना करें इन्वेस्ट रेहान जवाद साहब जावेद साहब रेहान साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी अली भाई अस्सलाम वालेकुम बस मेरा एक सिंपल सा छोटा सा सवाल था अली भाई के सवाल में आप सबको सलाम मेरा तो एक सवाल था कि अली भाई आप क्या देख रहे हैं अगले अब कुछ सालों के अंदर या अगले साल के अंदर कि बिजली की कॉस्ट हमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और मीडियम एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग
क्या मतलब दूसरी बात की इस बार बजट में टेक्सटाइल वगैरह के लिए बिजली की जो सब्सिडी थी 19.9 वाली वो भी एलोकेट है, तो आपका इसके ऊपर क्या नजरिया है कि हमारी इंडस्ट्री अपनी सर्व जाएगी? अच्छा, आपकी रेहान भाई थोड़ी आवाज जो थी ना वो सही समझ नहीं आ रही थी, जो मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ कि बिजली की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो इस बिजली की जो कीमतों पे क्या सनद चल पाएगी, ये आप बात कर रहे थे? जी हाँ, जी हाँ, ये पूछ रहा था। और दूसरा मेरा ये सवाल का दूसरा पार्ट ये था कि जो टेक्सटाइल के लिए इन्होंने बिजली के ऊपर सब्सिडी नहीं रखी है इस बार, तो डू यू थिंक ये बजट के बाद फिर दोबारा इसको देंगे, क्योंकि ये टेक्सटाइल तो नहीं चल पाएगी सब्सिडी के बगैर हमारी? हाँ, इन्होंने देखे ये IMF इसके बड़े बहुत ज्यादा इसको अगेंस्ट था कि आप ये टेक्सटाइल को सब्सिडी ना दें, और इन्हें वो रिमूव करनी पड़ी, और इन्हें अगर देनी है तो इनको बीच में से पैसे निकाल के देने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि टेक्सटाइल ये कहता है पहली बात की या बाकी बिजली बहुत महंगी होगी, या इस वक्त 16 सेंट की बिजली दुनिया पाकिस्तान में मतलब ये कहीं पे भी इसे अफोर्डेबिलिटी नहीं आती। एंड द प्रॉब्लम इज दिस कि बिजली की जो जो प्राइस होनी चाहिए थी वो तकरीबन इससे हाफ होनी चाहिए थी, हाफ नहीं तो 60% होनी चाहिए। बाकी ये आपकी यू नो इनएफिशिएंसीज एंड एक्युमुलेटेड लॉसेस कॉस्ट दैट वी आर पेइंग एंड क्रॉस सब्सिडाइजिंग दैट इफ दैट्स द केस। तो ये जो चीज है ना, दिस हैज टू गो टू एंड। तो ये इसका जो सोल्यूशन है आहिस्ता आहिस्ता बनना, तो ये है कि इंडस्ट्री कम होती जाएगी, कंज्यूमर भी कम होता जाएगा, सोलराइजेशन बड़ी तेजी से हो रही है कमर्शियल, और उसके अंदर तो वो गुड पेइंग कस्टमर कम होता जाएगा, लो पेइंग कस्टमर आपका बढ़ता रहेगा जो जिसको आप सब्सिडाइज करना चाह रहे हैं, तो ये फिर बिजली की कीमतें और बढ़ती जाएंगी और अनसस्टेनेबल होता जाएगा। बट इसका सोल्यूशन यही है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको सिस्टम में से जो है निकलते जाओ, क्योंकि आपका सिस्टम के अंदर तो बहुत वो गैप्स है, और वो तो आप कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रक्चर करोगे IPPs के अपने उसको तो। बट जो आपका ये है कि आप व्हीलिंग की तरफ निकल जाओ, इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता पूरा प्लांट उधर दे दो, और उसकी व्हीलिंग कॉस्ट जो है उसको उसको आप थोड़ा सा रैशनलाइज कर दो। और अब आपने देखे है कि अभी जो वो जो 1 MW और उसके ऊपर के ऊपर जो आपकी एक्सक्लूसिविटी जो लाइसेंसेज है वो सबके खत्म हो गए हैं, ताकि इलेक्ट्रिक का भी खत्म हो गया, और सवाए 2 DISCOs के अब बाकी सबके अंदर खत्म हो गए हैं। तो उस तरह अब ये है कि बड़ा ये आप आके खुद भी सप्लाई कर सकते हो, यू विल सी न्यू परहैप्स प्लांट्स वुड कम अप और देयर विल बी समथिंग कमिंग के जी इन्हीं में से कोई प्लांट को जो है उसकी व्हीलिंग कर दे, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव करेंगी, और कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो है वो सोलर की तरफ उसमें बहुत बहुत बढ़ेगा, और वो सिस्टम जो है वो उसकी वो काम होता रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम खुलेगा, और एक दफा वो ऊपर के सिस्टम में वो करेक्शन आएगी तो ये खुल के वो टेलीकॉम की तरह खुल जाएगा, जैसे PTCL होता था ना उस तरह से, अब जो ये बाकी जिस तरह प्रोवाइडर्स है सर्विस, इस तरह ही टेलीकॉम भी हो जाए, इस तरह ये आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा अली भाई, एक मेरा सवाल ये है, देखिए CTBCL और व्हीलिंग इन्होंने लिमिट किया 1 MW का। नॉर्मली जो हमारा 1 MW कस्टमर है या जो बड़ा कस्टमर है उससे, तो ही इज अ गुड पेइंग कस्टमर, जो कि आपका आपको उसे 99.99% रिकवरी देता है या अच्छी रिकवरी देता है। वंस दे आर आउट ऑफ द सिस्टम, जब वो लोग बाहर निकल जाएंगे तो फिर ये तो हमारा सरप्लस डेट और कैपेसिटी चार्जेस है, उसके बाद होम भी सोलर पे निकल जाएगा, आप कमर्शियल यूनिट्स भी आपके सोलर पे निकल जाएंगे, तो ये जो मतलब काइंड ऑफ अ सप्लायर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट जो हमारे IPPs है, उससे तुम्हारी बिजली की जो जो लोग नहीं शिफ्ट कर पाएंगे, जो 1 MW नहीं यूज करते, तो इससे तुम्हारी बिजली की कॉस्ट और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी, और इससे तो नुकसान और ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैं भाई कह रहा हूँ ना कि इस तरह से चलते रहेंगे तो बिजली की कीमत 100 रुपए की पहुंच जाएगी, मैंने आपसे शुरू में यही कहा ना, क्योंकि ये तो निकलता जाएगा और मेन सिस्टम जो है वो कोलैप्स करेगा, फिर उसको मतलब आपको लगता है एट सम पॉइंट आप अपने IPPs पे डिफॉल्ट कर जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जो इश्यूज को है उसको ठीक भी नहीं करना चाह रही और नहीं कर रही है, तो मतलब दैट्स हाउ आई सी दिस हैपनिंग कि इवेंचुअली ये आपको चीजें करनी पड़ेगी, वरना तो इंडस्ट्री सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, और आपको जो ये आम कंज्यूमर है इसको बिजली फिर आपको महंगी देनी पड़ेगी परहैप्स, और आपको ये अपनी कैपेसिटी पेमेंट पे उसको उसका उसका भी तरीका ये है कि उसके डेट को जो है तो आपके आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट जो ज्यादा है, क्योंकि वो डेट पहले 10 साल में पे होता है, इक्विटी 30 साल में पे 25 साल में पे होती है, सो वो डेट स्वैप हो जाए अगेन, वो अगेन रिस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज में वो चीज शामिल परहैप्स होगी, वरना उसके बगैर आपकी रिस्ट्रक्चरिंग होती नहीं है, क्योंकि पावर सेक्टर नहीं सस्टेनेबल कर सकता। Thank you, Ali. Thank you, sir. Thank you. Zilio.
अस्सलाम वालेकुम जी। वाकसलाम भाई, गो अहेड। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, मेरा सवाल थोड़ा सा डायरेक्टली बजट से तो नहीं है, लेकिन थोड़ी मेरी जो नॉलेज मुझे मिली है, हिलर साहब हो गए, अमार साहब हो गए, इनको ट्विटर पर थोड़ा फॉलो करता हूँ, तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी नॉलेज है, उसके एक सवाल करना चाहता हूँ। वो ये कि जो इन्होंने बताई थी कि गवर्नमेंट चेंज होती है उसके कुछ इम्पैक्ट्स आते हैं, लास्ट गवर्नमेंट जिसने जिस पर ये इल्ज़ाम था कि वो उन्होंने जो है कुछ माइंस बिछाई हुई थी जिसकी वजह से इम्पैक्ट अगली गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ा, तो क्या जो उनकी लास्ट गवर्नमेंट थी उसको भी यही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो कि अभी की गवर्नमेंट चेंज फेस कर रही है? ये मेरा खिदर साहब से सवाल है। देखिए जी, एक तो ये है कि पिछली 4-5 हुकूमतों में देखें तो सवाए जो जरदारी साहब की हुकूमत गई थी, इसहाक डार साहब आए थे, हर हुकूमत जो है ना लैंड माइन थोड़ी बहुत बिछा के गई है। मुशर्रफ साहब आखिरी साल में वो पेट्रोलियम की सब्सिडी दे गए थे, उसके बाद ना वो इलेक्शन जीत सके और लैंड माइन बिछा गए थे अगली हुकूमत के लिए, ठीक है जी। फिर ये मिफ्ता साहब आखिर में जाते हुए जो है वो सैलरियों की तनख्वाहें कम कर गए थे और कुछ चीजें कर गए थे जो आगे अगली हुकूमत को चेंज करनी पड़ी, और वो मिफ्ता साहब की कमेटी है वो इलेक्शन भी नहीं जीत सकी। तो फिर दूसरा जो है वो इमरान खान साहब शौकत अरीन के जमाने में वो आखिर में वो दे गए यूएनसी में, वो भी वापस अभी तक आने के उनके भी इम्कान कम लगते हैं। तो अब ये भी कुछ सागडा साहब भी ऐसी चीजें ही करके जा रहे हैं, इनके भी वापस आने के चांसेस कम लगते हैं। बट उस सारे प्रॉब्लम में आप इस तरह देखें किसकी लैंडमाइन बड़ी थी किसकी छोटी थी, आप ये देखें कि ये प्रोसेस जो कॉन्टिन्यूस चल रहा है और 1990 से डिग्रेडेशन हो रही है और उस डिग्रेडेशन की पेस बढ़ती गई है, तो ये फिर मतलब एक सिस्टम एक कोलैप्स पे आ रहा है। तो ये दैट्स हाउ इट इज एंड दे ऑल अ पार्ट ऑफ इट। स्ट्रक्चर को कोई ठीक नहीं कर रहा, उसी फ्लॉड स्ट्रक्चर के अंदर अपनी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स नॉट द वे इट गोज। उस्मान प्लीज गो अहेड। जी सलाम वालेकुम। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ेगा कि अभी यहीं पे रुकेगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अभी जी हमने कही आप से काफी डिटेल में इस पर बात की थी, तो वही व्यू है कि जी इंटरेस्ट रेट अभी यही रहेगा, और उसकी वजह यही है कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग से उतना काम नहीं होगा, ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट भी श्रिंक कर रहे हैं, तो इस वक्त फिस्कल पॉलिसी को ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने की जरूरत है फॉर मैनेजिंग इन द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, और उसके लिए पॉलिटिकल क्लैरिटी और IMF की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अशफाक साहब प्लीज गो अहेड। मोहम्मद अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने एनर्जी की बात की कि एनर्जी जो है वो कॉस्ट में बढ़ रही है, लेकिन अभी पिछले 5-7 साल में हमें एनर्जी मिक्स में अच्छा खासा डिफरेंस नजर आया है, जहां पे कोल 1% से 15% के करीब चला गया, अब हम 3,000-4,000 मेगावाट के करीब पहुंचने वाले हैं। इसी तरह LNG में चले गए HFO से, और इसी तरह हमारा एटॉमिक एनर्जी ऐड हुआ है 1,000 के करीब, इसी तरह हमारा हाइड्रो पावर में कोई 700-800 मेगावाट ऐड हुआ है। इसका ये मतलब ये है कि हम एनर्जी मिक्स को अच्छा किया है, चाहे जिसने भी किया, इतना नहीं है वर्स्ट सिचुएशन जितनी हम पोर्ट्रे कर रहे हैं। और रही बात हमारा जो सर दूसरी बात हमारा जो क्या नाम है लाइन माइंड्स एवरी टाइम, देखें हम अगर पिछले 10 या 20 साल को करें, जब भी कोई गवर्नमेंट जाती है नेक्स्ट गवर्नमेंट को हमें आना ही पड़ता है दो इशू के साथ, एक आपका ट्रेड डेफिसिट कह लें या वो आप CDI जिसे आप कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बड़ा ही होता है, और दूसरा आपका IMF के पास जाना ही होता है। मुशर्रफ गए, जरदारी साहब ने IMF लिया, जरदारी साहब गए, नॉन लीग ने IMF लिया, नॉन लीग गई, करंट अकाउंट डेफिसिट अराउंड वाज 18 बिलियन, उसके बाद लिया। हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हम तो इन्वेस्ट करने वाले उसमें प्रॉपर्टीज में रादर देन इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारा तो ये फोकस ही नहीं है हमें एज अ नेशन। ये मेरा थोड़ा सा था, लेकिन इसका जो अभी इसहाक साहब ने जो दिया या नॉन लीग के वालों ने दिया जो बजट, इसके इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म्स जो है वो भी है, लेकिन इम्पैक्ट जो है ओवरऑल कितना रहेगा? टेक्सटाइल को हम हमेशा से फेवरेट देते रहे, लेकिन टेक्सटाइल में हम जराबे और बनियाने बेच के हम इतनी एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ा सकते। अच्छा ठीक है। अच्छा बड़ी अच्छी आपने बात की, जो मैं आपकी पहली बात है ना एनर्जी वाली बात,
दूसरी बात तो आपने वही बात की ना कि वो लैंडमाइन सब बिछाते थे, तो वो तो वी एस्टैब्लिश दैट फैक्ट जी। तो वो एनर्जी वाली जो बात है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इस पे। बट बात यह है कि हमारा बिल्कुल ये बात ठीक है, एनर्जी मिक्स बहुत बेहतर हुआ है। आज से 10 साल पहले हम फर्नेस ऑयल पे बनाते थे बिजली, डीजल पे बिजली बहुत बनाते थे, और हमारी उस वक्त जो है अब हमने उसको कन्वर्ट करके एलएनजी के ऊपर जो बहुत एफिशिएंट प्लांट है वो है गैस के ऊपर, फिर हमारा कोयला खासतौर पे थरकोल उसमें हमने काफी आगे चले गए हैं, और बात हमारा न्यूक्लियर का वो जो K2 K3 भी चल गया है, फिर हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो इनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो इनकी फ्यूल कॉस्ट है जो प्रोडक्शन की, वो बहुत कम है। न्यूक्लियर की ना होने की बराबर है, हाइड्रल की भी बहुत कम है, एलएनजी का प्राइस लोकल गैस उस जगह पे अगर उन्हीं प्लांट्स पे इस्तेमाल कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और थर्कोल तो भी उसकी प्राइस भी बहुत कम है। बट सर थोड़ा सा अब आप इसको देखें कि ये तो एक एंगल है, एंड हेयर वी आर राइट, सो फंडामेंटली आर एनर्जी सेक्टर इज प्रोड्यूसिंग राइट काइंड ऑफ अ मिक्स विच इज गुड, एंड दैट्स द प्रॉब्लम इज इट्स फाइनेंसिंग, इट्स स्ट्रक्चरिंग, दैट्स द इशू इज। वो स्ट्रक्चरिंग क्या हुई है, हमने डॉलराइज 17.5% के रिटर्न दिए हैं कई जगह पे, उस पर साइनोशोर इंश्योरेंस के प्रीमियम हाई हैं, और वो फ्रंट लोडेड है, 80% ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है वो आपका और डेट पे होता है, और कई जगह पे ये भी हमें इंडिकेशन आई है कि प्रोजेक्ट जो है वो उनकी कॉस्ट को भी एस्केलेट किया गया है, वो किकबैक्स एंड ऑल दैट, ये भी मतलब इसके भी चांसेस मैं कहता हूँ कि वो जा नहीं सकते, ठीक है जी। और उसके वो फ्रंट लोड है, 10-25 साल का प्रोजेक्ट है, डेट 80% है, उस 80% को आपने 10 साल में पे करना है, उस 20% को 25 साल में पे करना है। अब आपको न्यूक्लियर की बताता हूँ कि न्यूक्लियर इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव इन टर्म्स ऑफ योर मिक्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स अ ग्रेट एडिशन इन दैट, अपार्ट फ्रॉम कि न्यूक्लियर शहर के करीब होना नहीं चाहिए, एक अलग बहस है। तो वो लेकिन उसकी जो कॉस्ट है ना इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट में, दैट्स ह्यूमंगसली ह्यूज, वो सबसे ज्यादा है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, अच्छा एटॉमिक एनर्जी वाला, और दूसरा जो हमारे हाइडल है दे आर वेरी एक्सपेंसिव इन दैट। तो हमें उनकी रीपेमेंट स्ट्रक्चर को ठीक करना है कि जी हम कहें कि जी हम पहले 10 साल में डेट नहीं पे करते, हम अगले 15 साल करते हैं ना, सिर्फ हम इंटरेस्ट पे करते हैं। So all those things, अगर उस स्ट्रक्चर को हम ठीक कर दे तो हमारा एनर्जी मिक्स और ये सारा फिर जो आपकी इसकी वो एक्सक्लूसिविटी खत्म करने के बाद यू गॉट द राइट वे टू गो। सो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें वी नीड टू बी सम के हमें अपने एनर्जी मिक्स के ऊपर ये भी देखना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम को ठीक करना है, जिसको रीस्ट्रक्चर करना है एज एन एडिशन टू गवर्नमेंट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये बात आपने, और दूसरा आपने वो बात है कि बनियाने वगैरह बेच के हम क्यों करते रहे, तो बनियानों को आप 3% पे ईआरएफ देते रहे, एलटीएफ देते रहे, उनको रिफंड सेल्स टैक्स के उनको मिलते हैं, छोटे को मिलते नहीं, आप ये इकोनॉमी के अंदर से जो लो पूल्स निकाल देना मैन्युफैक्चरिंग से, क्योंकि जिसमें रिफंड और बाकी और एक्सेस टू द कॉरिडोर्स और वो सब्सिडीज निकाल दे और उसको कंपेटिटिव कर दे, तो खुद ही बेचने वाले और चीजें आ जाएंगे। ये उसका मेरा ख्याल है, ये तरीका है जी सर। अली भाई, आई हैव कपल ऑफ मोर ऑडियंस जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं, प्लीज बता देना जब भी आपने लीव करना हुआ, देन आई एम एमिंग टू फिनिश इट इन 15 मिनट्स। अशफाक भाई, आपने माइक मांगा, यू हैव अनदर क्वेश्चन, इफ यू कैन कीप इट ब्रीफ। आदिल भाई प्लीज गो अहेड। आदिल जी, बहुत शुक्रिया खिदर साहब। अच्छा अली भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि कम से कम पिछले 15-20-25 साल में जो भी हमने इकोनॉमिक साइकिल देखे हैं पाकिस्तान में, हमेशा से ऐसे होता है कि एक गवर्नमेंट आती है, वो IMF के पास जाती है, थोड़ा सा एक साल टफ गुजरता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी ग्रोथ नजर आना शुरू होती है 3-4 साल तक, और आखिरी ईयर में जो है वो एक बड़ा फ्रेंडली सा बजट दे के एक पटाखा बजता है और नेक्स्ट गवर्नमेंट फिर उसी साइकिल में चली जाती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इफ यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट 10 ईयर या प्राइम मिनिस्टर, तो व्हाट आर द 2-3-4-5 थिंग्स जो कि आप करेंगे जो इस इकोनॉमी के फंडामेंटल इश्यूज को सॉल्व करे, बजाय इसके कि यही साइकिल रिपीट होता जाता है और हम इससे इस ट्रैप से कभी भी आउट नहीं हो पा रहे। हमारी इकोनॉमी में वो कौन सी 3-4 ऐसी चीजें हैं
जो कि हमारा बड़ा लॉन्ग टर्म मसला है और उनको कैसे फिक्स किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा जी, लाइटर नोट में अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं तो जो मुझे बनाने वाला होगा वो ये काम नहीं करने देगा, तो मेरे जैसा बंदा तो ये काम नहीं कर सकता। ये काम करने के लिए किसी का मैंडेट होना चाहिए, जिसके पास पब्लिक का वोट हो, जिसके पास कोई मैंडेट हो, वो आके फिर मतलब यू नो दैट पर्सन कैन डू दैट। तो देखिए जी, करने का तरीका वही है कि जी आपके जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, मैं आपको बहुत सारी मिसालें अब दे सकता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि टबैको है, उस टबैको के ऊपर जो दो कंपनीज काम करती हैं वो आपने अभी उनका टैक्स बढ़ा दिया, आपने टबैको पे गोल्डी पे डबल उसका टैक्स हो गया, लेकिन उसके साथ ही आपके जो बहुत सारी मर्दान में तो कंपनीज हैं जो टैक्स पे नहीं करती हैं, वो आधी कीमत पे वो सिगरेट बेच रही हैं और इनका मार्केट शेयर गिर रहा है। अब वो लोग सेनेटर हैं, हर पार्टी के अंदर हैं। अच्छा जी, इसी तरह आपके जो सारा जो बड़ा होलसेलर है, रिटेल ट्रेडर है, वो भी आपको इधर नजर आएगा। आपको जो रियल स्टेट का है वो भी पैसा सारा इधर नजर आएगा। फिर स्मगलिंग हो रही है, उसमें आपकी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी फंडिंग होती है और आपके इलेक्शन की फंडिंग होती है। आपका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा पावर स्ट्रक्चर बना हुआ है जो इन चीजों से फायदा उठा रहे हैं, इन चीजों को फंड कर रहे हैं। तो उसको जब आप चैलेंज करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लोग देखते हैं, सो यू नो दोज आर वेरी चैलेंजिंग थिंग कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए, कि उसको कोई किस तरह का चार्टर बनाया जाए कि इस पे ये सब इसमें मुतफिक होके इस काम पे करें। सो दैट्स अ बिग चैलेंज टू डू। और मतलब वो इस ब्लू प्रिंट, मतलब मैं आपको रिपीट करूंगा, हम सबको पता है यार, पिछले 15 साल में बहुत लिखा जा चुका है, हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का तरीका है ठीक करने का, वेल होनी चाहिए करने की, वो मिसिंग है और वो स्ट्रक्चर का इशू है। रजा भाई, अली रजा भाई जी, मुझे या जी जी अली रजा, आप प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे दो छोटे से क्वेश्चन हैं और मैं चाहूंगा कि साहब उसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एक तो ये कि ये जो बजट दिया गया, आपके ख्याल में डू यू एक्सपेक्ट कि 2 महीने या 3 महीने बाद जब द न्यू इंटरिम गवर्नमेंट विल कम, सो देर विल बी नॉट अ मिनी बजट और दे विल कैटल इट। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो इन्होंने न्यू फिस्कल ईयर 23-24 का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 14,460 बिलियन है और जो उनमें आमदनी इन्होंने जो शो किया है वो 7,536 बिलियन की है, तो मुझे आप ये बता दें कि ये 6,924 बिलियन ये जो खसारे का बजट मुझे तो लग रहा है, या दूसरे अल्फाज भी ये कहें कि ये जो 6,924 रुपये कहाँ खर्च करने, ये फैसला तो हो गया है लेकिन ये रुपए आएंगे कहाँ से। वो जो आप बता रहे थे एक्सपोर्ट, दैट विल टेक टाइम, और टैक्स नेट को आप कितना ब्रॉडन करेंगे, मेरे दो ये सिंपल क्वेश्चन। थैंक यू जी। देखिए जी, आपने पूछा कि ये बजट खसारा ये क्या होगा। देखिए जी, इस वक्त जो हुकूमत के पास है जो बजट आया है उसमें जो सूबों को पैसे देके जो हुकूमत के पास जो पैसे बनते हैं वो तकरीबन 400 बिलियन कम है जितनी उसकी डेट सर्विसिंग है, यानी कि वो मतलब जो पहला पेंशन की तनख्वाह देगा, पहले किसी भी तरह का खर्चा करेगा वो कर्जा लेके करेगा, वो कर्जा लेके ही करना है। तो ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है ना, कितना आप कर्जा और ले लोगे, और रुपए जिस पे रुपए में आप कर्जा लोगे ज्यादा तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी। सो इसी वजह से मैंने ये कहा था कि इनको ये टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपने अंदर जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के लॉसेज हैं उसको खत्म करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की जो ब्लॉटिंग है उसको खत्म करना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि एपीआईए में 12,000 एम्प्लॉई है, पूरी हुकूमत के अंदर पंजाब हुकूमत मिला के, केपी के सिंध मिला के, बलूचिस्तान सबको मिला के, जो आपकी कितने आपके एम्प्लॉयज है जो मतलब रिडंडेंट है, कि मतलब 1/3 कुछ लोग कहते हैं कि जो है वो रिडंडेंट है, उन 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों के पीछे आप जो है 250 मिलियन है,
ठीक है जी, जिनकी मुल्की आबादी जिसमें 150 मिलियन वर्नेबल है, जो इन्फ्लेशन जो इतनी फिस्कल रिस्पॉन्सिवनेस की जैसे हो रही है, तो इसको आपको ठीक करना है। ये सवाल अब है कि भाई यहाँ पे 150-200 मिलियन को करना है या नहीं करना, तो वो खसारा होगा। वो बजट का जो आपका सवाल था वो खसारा है, वो कर्जा लेके होगा, और वो बाकी जो जो एक्सटर्नल साइड पे उसकी इम्प्लीकेशन है, वहां पे आपको लोन लेने पड़ेंगे जो नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से डेट रिस्ट्रक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं कि वो हमें परहैप्स करनी पड़ेगी। ये लोन और ये कहाँ से आएंगे? मेरा देखिए, लोन जो आएगा वो बैंक से लेंगे, पर डोमेस्टिक तो हम कर्जा बैंक से लेंगे, और वो आजकल बैंक की लिक्विडिटी कम है, तो स्टेट बैंक बैंक को पैसे दे देता है, क्योंकि स्टेट बैंक से डायरेक्ट हम ले नहीं सकते, तो वहां से वो लेते हैं। और एक्सटर्नल पे हम दोस्तों के, IMF की, इन सब की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पैसे दो, उससे हम एक्सटर्नल लेंगे। समर, प्लीज गो अहेड समर। जी, मेरा क्वेश्चन खिजर साहब से है, जो को होस्ट हैं। सर, आपने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट की थी कि मैं पाकिस्तान की इकॉनमी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा एज अ प्रोटेस्ट, तो ये थोड़ी सी हिपोक्रेसी नहीं है कि एक साइड पे आप पाकिस्तान की इकॉनमी को हर्ट करना चाह रहे हैं, दूसरी साइड पे आप बजट पे स्पेसेस कर रहे हैं? भाई वो तो दैट वाज माय डिसीजन नॉट टू सेंड मनी। आई डोंट टॉक अबाउट इकॉनमी या अगेंस्ट द इकॉनमी, एंड दिस सेशन इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग। दिस इज लाइक एजुकेशनल डिस्कशन वी डू एवरी वीक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स, एंड हर किसी की मर्जी है कि कोई इन्वेस्ट करे ना करे। Here, the purpose of this discussion is just to create awareness, increase education for the retail investors. That's it. And ये मैं एक social responsibility समझ के कर रहा हूँ as a freelance, because I have a 9-to-5 job, and this is just my passion to help my countrymen and women. I hope I did answer your question. उमर भाई जी, उमर बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, मैं रियाद से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सेशन ऑर्गेनाइज करने का हम लोगों के लिए। चलो ये थोड़ा इसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मेरा एक क्वेश्चन था अली भाई से कि डिफॉल्ट रिस्क की बातें हो रही है ना जून में एंड सो ऑन, तो हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत किसी ना किसी तरह मैनेज कर रही है, पेमेंट्स टाइम पे कर रही है, जिस तरह अभी भी वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे, लेकिन हमें अगले साल तक तकरीबन 20 बिलियन से ऊपर रिपेमेंट्स करनी है, तो आप क्या देख रहे हैं कि, और इलेक्शन ईयर भी है जब न्यू गवर्नमेंट आएगी, तो वो कैसे मैनेज करेगी? मतलब आपकी क्या ओपिनियन है ये जो रिस्क डिफॉल्ट रिस्क है इस पे? शुक्रिया। देखिए, ये पहले 20 बिलियन को हमने पहले भी काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा जाऊंगा, और पहले मैं आपको जरा डिफॉल्ट के रिस्क को थोड़ा सा आप इसको भी समझ लें कि पिछले साल में तकरीबन हम जुलाई से ऑनवर्ड हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई या पेमेंट्स का जो बैकलॉग क्रिएट किया हुआ है, और उसका इकोनॉमी पे एक बहुत वैल्यू चेन में इम्पैक्ट आया है, उससे लॉसेस हुई हैं जॉब्स की, उससे शॉर्टेजेस क्रिएट हुई है, उससे अनसर्टेनिटी हुई है, जिससे करेंसी पे इम्पैक्ट आया है, और उसकी वजह से आपकी जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है। तो बहुत सारी डिफॉल्ट की जो कंडीशंस है वो आपकी ऑलरेडी प्राइसिंग हुई हुई हैं चीज़ों में, और हम उसको एक स्लो पॉइजन की तरह लेके चल रहे हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये खत्म हो जाना है। तो कुछ लोग कहते हैं जी April 24 में खत्म होना है, कुछ कहते हैं जी October 23 में होना है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते मतलब इस अगले साल को गुजारना मुश्किल लगता है। तो वही बात है कि जो नई हुकूमत आएगी, चाहे वो केयर टेकर के पास अगर वो गुजरने का मौका मिल जाए, किसी दोस्त ने कोई 1-2 बिलियन दे दिया, तो उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी उसको दोबारा IMF पे जाना है, प्रोग्राम में नहीं आप बजट लेके आना है और एक रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वेस्ट करनी है या रीप्रोफाइलिंग को करना है। वो 20 बिलियन जिसको हम डिटेल में बता चुके हैं कि इसमें से हमें रीप्रोफाइल करना है 10 बिलियन जो हमारा रोल ओवर है, कि उसको को हमें लॉन्ग टर्म लोन दे दे, तो हम उसको हम अपनी फिर हमारी वो रीपेमेंट स्केड्यूल काफी ईजिली मैनेज हो जाएगा। तो दैट्स हाउ, दैट्स अ चैलेंज, और वो IMF के बगैर बड़ा मुश्किल है, और एक मुश्किल IMF प्रोग्राम में जाने और फिस्कल डिसिप्लिन आने और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के बगैर मुझे नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट इस मुल्क में कोई इन्वेस्ट करेगा जब तक इस मुल्क में कोई स्ट्रक्चर रिफॉर्म है, वो टू बी ऑनेस्ट वो मुझे होते नजर नहीं आ रहे। सो काफी मुश्किल सूरत हाल हो सकती है इसमें। असगर खान साहब, असगर भाई, यू हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। जी शुक्रिया हैदर भाई। अली भाई, मेरा एक सवाल तो ये है कि आप मिनी बजट को कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बजट है मुझे तो ये इलेक्शन बेस ही लग रही है,
रियलिस्टिक अप्रोच इसमें बहुत कम है, और ये दूसरा ये है कि ये जो जब हम देखते हैं पाई को इसमें रिकॉर्डर, बिजनेस रिकॉर्डर में या डॉन में, तो उसमें हर बजट में वो जो डेट सर्विसिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर इसके ख़त्म करने के लिए हमें रेडिकल स्टेप्स लेने हो तो वो कौन से हो सकते हैं आपके जहन में? और दूसरा, अगर हम इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? शुक्रिया। देखिए रेडिकल स्टेप, देखिए आपको बेसिकली बहुत सारे टैक्सेस एरियाज हैं, हमें टैक्स ज्यादा कलेक्ट करने हैं हमें ज्यादा जगह से, और हमें गवर्नमेंट के खर्चे कम करने हैं। ये वही ड्रास्टिक स्टेप है जो बार बार मैं कह चुका हूँ कि वो उस तरह की चीजें करनी है, वो तो नजर नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल अपने वो ज्यादा आप अगले मिनी बजट में GST बढ़ा देंगे और चीजें कर देंगे, इस तरह के काम करेंगे, बट सून और लेटर ये आपको लाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि वो नई गवर्नमेंट कब तक पहुंचती है, अगर या टेक्नोक्रेट किस वक्त आती है और हमारे फंड कितने होते हैं, बट वी हैव टू गो टू द IMF प्रोग्राम समवेयर बिटवीन आई वुड से सितंबर टू मार्च। हम IMF प्रोग्राम की रिक्वेस्ट करेंगे और उस वक्त जब IMF की करेंगे तो वी नीड टू ब्रिंग सम टैक्सेशन मेजर्स और वो ठीक ठाक और लाने पड़ेंगे। बाकी करने की क्या जरूरत है कि जी हमें अपने गवर्नमेंट के साइज को कट करना है, हमें अपने जो लोग टैक्स नहीं देते एग्रीकल्चर के अंदर जो आपने है, अब अगेन वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है वहां से टैक्स करना है, लैंड टैक्स जो है उसमें बड़ा पोटेंशियल है, अगेन इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट वहां से करना है, रिटेल सेल होलसेल ट्रेड के अंदर जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है, दैट्स अ फेडरल गवर्नमेंट क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी एंड दीज आर नॉट इजी थिंग्स टू डू, और वो हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि जो ये पावर स्ट्रक्चर जो इस वक्त है पूरा हुकूमत का, उसका अशराफिया का, उसका एजेंसीज है, सारा कुछ वो इंटरेस्ट है इन इंटरेस्ट में, तो इन इंटरेस्ट को उसे यू नो टू गेट रिड ऑफ दोस शैकल्स इज नॉट एन इजी जॉब। आपका क्या राय है? सॉरी अजर भाई, आखिरी क्वेश्चन है, PSDP पे आप कम करने पे आप क्या इसमें खराजात में हम कमी नहीं कर सकते जो इस तरह? देखिए PSDP इस वक्त 1100 बिलियन है शायद, और जो लास्ट ईयर की जो स्पेंडिंग है वो 550 के करीब है, तो मेरे ख्याल में इस साल भी को 550-600 ज्यादा स्पेंड नहीं होगा, बाकी ये PSDP कट हो जाएगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए है अभी, और शुरू में ये कुछ जल्दी जल्दी पैसे दे देंगे ताकि ये अपने इलेक्शन के लिए, उसके बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो इलेक्शन के भी प्रायोरिटी इलेक्शन प्रोजेक्ट में जाएगा, जहाँ पे जाना चाहिए शायद नहीं जाएगा, वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हसीब भाई प्लीज गो अहेड। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे दो क्वेश्चन थे, तो क्विकली, एक तो क्वेश्चन रिलेटेड टू IMF, क्योंकि हमने जो बजट के पेपर्स वगैरह हैं वो हमने IMF से डिस्कस किए हैं, तो आपको क्या लगता है ये बजट जो IMF से इन लाइन है या इसमें मतलब काफ़ी डेविएशन है, क्योंकि इस पर अगर 9th जो ट्रांच है वो मिल सकती है नहीं मिल सकती उस पर डिपेंड करेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू CAD है, जो गवर्नमेंट है तकरीबन 6 बिलियन का CAD बजट कर रही है, और हमारी जो मतलब कंट्री है हम इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री हैं, तो इस केस में हम कैसे GDP ग्रोथ 3.5 अचीव कर सकते हैं जब हम अपने CAD को उतना मिनिमाइज करेंगे? तो बस थैंक यू, ये दो क्वेश्चन थे, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू जी। IMF को इन्होंने बजट तो शेयर किया हुआ है जी, लेकिन IMF से जहां तक मेरी खबरें हैं कि कोई अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। बजट के साथ इनके दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी हैं, कि बजट के नंबर चले वो शेयर हो जाए, बजट को वो मान भी लेते हैं, और वो अगर बाकी चीजें जो हैं कि वो आपकी क्रॉस फाइनेंसिंग नीड वो अभी उसका गैप है, और फंक्शनिंग ऑफ दी एक्सचेंज रेट मार्केट वो अभी गैप्स है, वो गैप्स आपको पूरे कर सकते हैं अगर 30 जून तक, तो 30 जून से पहले अगर आप कर देंगे तो, और थोड़ा अगर आपको कोई जियो पोलिटिकल एज मिल जाएगा तो फिर IMF के चांसेस है, वरना मुझे कम लगते हैं इस प्रोग्राम के होने के। अब दूसरा सवाल आपका था जी, दूसरा आपका कौन सा सवाल था? बेसिकली जो गवर्नमेंट है तकरीबन CAD जो है 6 बिलियन का बजट कर रही है। हाँ। तो अब वो आपका बड़ा अच्छा सवाल था कि जी 6 बिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो आप 3.5% की ग्रोथ कैसे देंगे? तो आपके सवाल में जवाब है कि 3.5% की ग्रोथ जो है बस ऐसी नाम की है। देखें इस साल जो आपकी जो ग्रोथ है ना वो -2% से कम बेहतर नहीं होनी। हफीज पाशा साहब -3% कह रहे हैं, मेरे हिसाब से 1.5-2% तक तो नीचे जा ही रही है। ठीक है जी, अब उसमें तो कुछ एक तो बाउंस बैक एग्रीकल्चर का आएगा जो कि फ्लड की वजह से है,
कुछ, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग में मुझे कोई बाउंस बैक अभी नजर नहीं आ रहा है, फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा। सो और उसकी वजह से सर्विसेज पे भी, बल्कि मुझे अब जो रिटेल ट्रेड है ना उसमें भी, चूंकि एक साल आपने 30% का इन्फ्लेशन गुजार के अब दूसरा जब गुजारे होंगे ना, तो परचेजिंग पावर की हिट आएगी लोगों में। सो मेरे ख्याल में तो आपकी ग्रोथ जो है वो 1.5-2% भी आ जाए, वो भी वो एग्रीकल्चर की वजह से, वरना मुझे इंडस्ट्रियल में को मतलब इस लेवल से बेहतर नहीं। अब देखिए पिछले 3 महीने से इंडस्ट्रियल 25% गिरा है, तो साल के शुरू के महीनों में कम गिरा था, तो वो 25% का चलता जाएगा तो अगले साल पढ़ाया आपको नेगेटिव ही मिले LSM में शायद, तो ग्रोथ तो मुझे नहीं होती नजर आ रही। करंट अकाउंट पर आल ये 6 बिलियन के तरह मैनेज कर लेंगे। थैंक यू अली भाई। हसन राजा जी, थैंक यू सो मच फैजल भाई मेरा सवाल लेने के लिए। मेरा सवाल अली भाई से जो है वो IMF से रिलेटेड है और मल्टीपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अली भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अदर देन डार साहब, और भी कुछ लोगों का कहना है कि IMF परहैप्स एक फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पर अब एक्ट कर रहे हैं, और उसकी लोग मिसाल देते हैं कि जैसे ये जो 9th रिव्यू था हमारा, इसमें हमने सब कंडीशंस मीट भी कर ली थी, बट डिस्पाइट दैट गोल पोस्ट चेंज होती रही, नई कंडीशंस ऐड होती रही, ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट डाल दी गई। सो वुड यू एग्री टू दिस के IMF थोड़ा सा बेंचमार्क से हटके भी कुछ ऑब्जेक्टिव को परसू कर रहा था? और सेकेंडली ये बताइए कि आपने कहा कि जो नई गवर्नमेंट भी आएगी तो वो नेगोशिएट करेगी नया प्रोग्राम, और गवर्नमेंट के पास टाइम होगा फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च, तो विद $4 बिलियन रिजर्व आपको लगता है कि पाकिस्तान ये टाइम गुजार सकता है without failing to meet its obligations on external payments? और थर्डली अभी जो IMF प्रोग्राम जो चल रहा था हमारा, उसके टारगेट्स हमने देखे कि कितने टफ किस्म के थे, और जो रिजर्व की सिचुएशन अभी है, तो आपको नेक्स्ट IMF प्रोग्राम किस तरह का लगता है, किस फॉर्म, किस शेप में लगता है, किस क्वांटम का लगता है, क्योंकि हमारी फंडिंग नीड्स तो बहुत ज्यादा है, राइट? सो नेक्स्ट जो कंडीशन होंगी, क्या इस जो करंट कंडीशन से ज्यादा टफ नहीं होंगी हमारे लिए? अच्छा, पहली आपकी बात की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड और गोल पोस्ट ट्रेन करने की बात, मिफ्ता इस्माइल साहब जब ये 7th रिव्यू करके गए थे आए थे, तो उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुझे खुद भी बताया था, उन्होंने और भी जगहों पे ये कहा हुआ था कि IMF के साथ जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड की हमने कमिटमेंट की है वो $8 अरब की है, ठीक है जी। और फिर बाद में ये बात हुई कि जी के चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम आ रहा है, तो इसको गवर्नमेंट कह रही थी कि जी 5 बिलियन पे ले आए, एंड में फैसला हुआ जी 6 बिलियन पे, 6 बिलियन पे चल रहा था। अच्छा, 6 बिलियन के अंतर इन्होंने कहा कि जी इन्होंने पैसे लगाए हुए थे कि जी ये वर्ल्ड बैंक के पैसे हैं, ये बेसिकली उन्होंने जो वो कॉन्फ्रेंस की थी ना फ्लड्स के लिए जाके बाहर जिनीवा में, हाँ, तो उसके उन्होंने पैसे लगाए हुए थे, वो तो पैसे आने ही कोई नहीं थे, और वो जो उसमें से कुछ थे ऑलरेडी वो जो थे ना रीप्रायोरिटाइज हुए थे, यानी कि जो आने थे वर्ल्ड बैंक वगैरह के वो रीप्रायोरिटाइज हो गए थे, बट वो वर्ल्ड बैंक के ऑलरेडी लिखे हुए थे, तो गवर्नमेंट को ये पता था, अगर नहीं पता तो बहुत ना हेल्थी वो गवर्नमेंट। IMF ने तो वही कहा भाई कि ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड इन एडिशन टू व्हाट यू ऑलरेडी हैव, यू नीड $6 बिलियन, आप 3.5-4 बिलियन लाए हैं, बाकी किधर है? तो IMF ने कोई गोल पोस्ट नहीं चेंज किया, ये गवर्नमेंट या तो समझ नहीं रही, ऊपर मैं छोड़ता हूँ आप क्या समझते हैं इस पे। और तो वो दूसरी बात ये कि जो आपका अगला प्रोग्राम है, यार अगला प्रोग्राम बड़ा टफ होगा, उसमें ये आपके अंदर घुस जाएंगे, आपकी ये डिफेंस की जो हिडन एक्सपेंडिचर है ना बहुत सारे बजट में, वो निकालेंगे, आपके PSEs के अंदर जो एक्सपेंडिचर है उनको निकालेंगे, ये आपको कहेंगे तनख्वाहें कम करो, ये आपको कहेंगे पेंशन काटो, ये आपको कहेंगे कि जी आप अपने सूबों के अंदर भी इन चीजों को कम करो, ये आप अपने कहेंगे ये अपनी यहाँ से इन एसेट्स को ठीक करो उस लेके आओ, ये वहां वहां जाके आपको तंग करेंगे जो आप सोच नहीं सकते, लैंड के ऊपर टैक्स लगवाएंगे आपसे, फौज का बजट कम कराएंगे, दिल डू एवरीथिंग, सो इट गोना बी वेरी टफ IMF प्रोग्राम। तो आप जिस तरह देख लें श्रीलंका में, इजिप्ट में कंडीशन आके उनकी देखें, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा लेंगे इधर क्या होंगी। हसन भाई, did Ali भाई answer your questions? Yes, thank you. उमर आपका question हो गया था, I think. जी मेरा हो गया था, बहुत शुक्रिया. Thank you. Zilio. Sorry, मैंने एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा था. जी, वो भी थोड़ा सा जनरलाइज सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें लिखा आता है कि जो गवर्नमेंट की जो चेंज होती है
उसकी जो अनस्टेबिलिटी होती है उससे जो है ना बहुत सेंटिमेंट्स जो है ना ओवरऑल चेंज हो जाते हैं, जिसका कि हमने पिछले दो गवर्नमेंट के में देखा था। तो कोई भी चीज, आईएमएफ भी इस बात को बहुत वेटेज दे रहा होता है। तो मैं अली खिदर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट की चेंज जो हुई है पिछले दिनों, वो बहुत बड़ा मैक्सिमम इम्पैक्ट लेके आई है, जिसकी वजह से अब हम ज्यादा टाई अप हो गए हैं, हमारे जो है गर्दन हमारी जो है वो दुख गई है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया है इसकी वजह से, खाली गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से। आप क्या समझते हैं? देखिए बात ये है ना, इस प्रोग्राम के अंदर जब से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो ये यहाँ पे ये फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। आप देखे पहले ये प्रोग्राम निगोशिएट असद उमर साहब कर रहे थे, उनकी आईएमएफ के साथ अनबनी बन रही थी, आईएमएफ और उनकी आपस में नहीं डील हो पा रही थी, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए गए, ठग करके प्रोग्राम हो गया। फिर वो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी शेख साहब, वो अच्छा चला रहे थे इसको, फिर आपने एकदम खान साहब ने कहा मुझे ग्रोथ चाहिए, वो कह रहे थे भाई अभी दो साल अभी इस तरह बैठे रहो, ग्रोथ नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी ले आओ पे ग्रोथ है। नहीं, खान साहब कहते थे टाइम नहीं है, मुझे ग्रोथ चाहिए, आप जाए घर जाए, ठीक है जी मैं लाता हूँ शौकत तरीन को। फिर शौकत तरीन साहब लाते हैं, फिर आईएमएफ के साथ आप एक मिसट्रस्ट करते हैं, फिर वो शौकत तरीन घर 6 महीने बाद आईएमएफ पे जाते हैं, फिर उसके बाद फिर जनाब शौकत तरीन साहब एंड में जब गवर्नमेंट की हुकूमत जा रही होती है तो वो एक करती है, फिर नई हुकूमत आती है तो वो काफी टाइम लेके मिफ्ता साहब उनसे करवा पाते हैं, तो ये तीसरा एक होता है ट्विस्ट उस वक्त। फिर उसके बाद चौथा जो है हमारे प्यारे डार साहब आ जाते हैं, तो चौथा ट्विस्ट है। और वो अब इतने और हालात हो गए हैं, और हम देखें ना क्वालिटी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर भी तो देखें ना, हफीज शेख से शौकत तरीन से मिफ्ता से डार साहब, तो वो अब उस हिसाब से आईएमएफ का मूड भी चेंज हो रहा है। तो ये हो रहा है। बिलाल जी अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन था, ये जो बोनस शेयर के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है, इसका क्या इंपैक्ट आएगा, कंपनीज दिया करेंगी बोनस शेयर वगैरह या नहीं? मेरे ख्याल में तो नहीं देंगी, जितनी का है वो 30 जून से पहले दे देंगी, उसके बाद क्यों बोनस शेयर देना को आपको, क्या कहकर इन्वेस्टर को मिल भी कुछ नहीं रहा, कैश में कुछ आ भी नहीं रहा, खामखा टैक्स जा रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनती उसको करने की। ये तो मुझे लगता है कि ये फंसाने के चक्कर में है कि बोनस शेयर पे टैक्स दे रहे हैं, साथ रिजर्व पे टैक्स ले देंगे ताकि लोग डिविडेंड ज्यादा दें। ठीक, थैंक यू सर। अली भाई थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम, आई थिंक सेशन काफी लंबा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने का। अली भाई वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, अगर कुछ कहना चाहें एंड देन वी कंक्लूड। थैंक यू जी, थैंक यू, इट वाज गुड फन जी, अच्छा मजा आया, अच्छे सवाल थे, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, देयर वर सम वेरी गुड क्वेश्चंस एंड अ गुड कन्वर्सेशन, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। होपफुली को अगला साल अगर थोड़ा मुश्किल होगा, बट यू नो अगर हम अपना रिजॉल्व ठीक रखें तो ये मुल्क में पोटेंशियल है, ये बेहतर हो सकता है। ऑन दैट नोट टेक केयर जी। जी जी थैंक यू सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, अगले हफ्ते मिलते हैं दोबारा किसी नए स्पीकर के साथ। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर वीकेंड एंड स्पीक टू यू सून अगेन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।